गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी एम आई ऑडिबल एंड विजिबल एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बताइए ज़रा आवाज़ आ रही है प्रॉपर जल्दी से आ जाइए आप सभी एम आई ऑडिबल एंड विज़िबल ओके एवरीथिंग क्लियर सब कुछ ठीक है क्लैरिटी क्लैरिटी की कुछ प्रॉब्लम है क्या ओके okay. ओके okay. अनुपमा परशुराम प्रजापति मुकेश मौर्य अभिषेक कुमार आशीष कुमार अभिषेक यादव निधि त्रिपाठी सब लोग आ जाइए जल्दी से ऋचा मिश्रा सुषमा पांडे रजनी त्रिपाठी सब लोग आ जाइए फटाफट जल्दी से आ जाइए। चलिए रेडी हैं आप लोग ना कॉर्डेट्स तैयार है पूर, पूरी तरह से ओके चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लाइट इज फोकसिंग ऑन योर पिक्चर ठीक है कोई बात नहीं है भाई पिक्चर पे फोकस कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आ प्लीज़ यू फोकस ऑन योर स्टडी ठीक है चलिए आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे uh, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वट आफट आंसर करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और अभी थोड़ा सा बता दीजिएगा क्लैरिटी के बारे में क्लैरिटी के बारे में बता दीजिएगा क्लैरिटी ठीक है कि नहीं क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है ठीक है गुड इवनिंग गोपाल सिंह ऋचा सक्सेना ओके चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एकदम आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए हर्ट ऑफ फिशेस हर्ट ऑफ फिशेस इज जल्दी से आंसर करेंगे आप फटाफट आंसर -फटा करेंगे और ये तो आपके उससे भी आ, हमने कल भी पढ़ाया था जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे और हमने इसको क्लास में फिशेस पढ़ाते टाइम भी बताया था तो बताएंगे जल्दी से हार्ट ऑफ फिशेस क्या है दैट इज टू टू एंड 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 ट्यूबुलर ट्यूबुलर वेनस आप सभी के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड सभी के आंसर आ रहे हैं फिशेस के जो हार्ट होते हैं वो टू चैम्बर्ड वेनस एंड ट्यूबुलर होते हैं कैसे होते हैं वेनस एंड ट्यूबुलर होते हैं और हमने कहा भी था कि फिशेस के हार्ट में दो चैम्बर के अलावा कुछ एक्सेसरी चैम्बर भी होते हैं जैसे साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस भी होता है और फिशेस का हर्ट ट्यूबुलर होता है और ट्यूबुलर के अलावा हमने कहा था ब्रांकियल हर्ट भी होता है कैसा ब्रांकियल हर्ट और वेनस हर्ट ठीक वेनस हर्ट तो योर आंसर मस्ट बी सेकेंड आपका आंसर क्या हो गया सेकेंड क्लियर सभी को क्लियर फिशेस का हर्ट कितने चैम्बर्ड है ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट आंसर करेंगे सैग्रीन इज सैग्रीन क्या है व्हाट इज़ सैग्रीन स्किन ऑफ इलेक्ट्रिक रे स्किन ऑफ शार्क जिलेटिन ऑप्टेन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ शार्क एंड जिलेटिन ऑप्टेन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फिशेस फटाफट बताएंगे सैग्रीन किससे ऑप्टेन किया जाता है कहाँ से आपने पढ़ा है सैग्रीन सिन ग्लास सैग्रीन ये सब हमने आपको बताया है वेरी गुड आशीष कुमार मौर्य शिवांगी त्रिपाठी सुषमा पांडे गुड फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सैग्रीन किससे ऑप्टेन करते हैं गुड दैट इज द स्किन ऑफ शार्क किससे ऑप्टेन करते हैं स्किन ऑफ शार्क गुड नेक्स्ट चलिए इसके बाद प्रेग्नेंट मेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेग्नेंट मेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखिए आज थोड़ा हम थके हैं बहुत ज़्यादा थके हैं एक्चुअली आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी काम बहुत ज़्यादा कर दिया कुछ घर का भी काम था और फिर कुछ काम और भी था तो फिर हमें लगा नहीं आज लाइव सेशन होता है तो होना चाहिए आपके लिए तो जब तक हिम्मत होती है मेरी तब तक क्वेश्चनस करेंगे हालांकि क्वेश्चन तो डेढ़ सौ हैं ठीक है लेकिन जब तक मेरी हिम्मत होगी तब तक करेंगे क्वेश्चन प्रेगनेंट मेल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सभी आंसर कर रहे हैं रिचा सक्सेना त्री मोनिका शर्मा क्या बता रहे हैं आप लोग त्रिका ए त्रिका ए त्रिका ए अरे वाह और इसको कौन बताएगा प्रेग्नेंट मेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई वेरी गुड ऑल ऑफ देम हमने कहा था और देखिए जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे इधर उधर से चीजें पढ़ेंगे क्योंकि हमने डेटा पढ़ाने के लिए एक एक पेज पढ़ा कोतपाल को हमने एक एक पेज पढ़ा और उससे हमने कंक्लूजन निकाल के आपको कॉडेटा पढ़ाया पूरा ठीक क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि हमारी कोई भी ब्रांच चाहे वो बायो केमिस्ट्री हो बायो मोलिक्यूल मतलब आ, जेनेटिक्स हो बायोटेक हो मॉलिक्यूलर हो एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी कहीं से हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती उस पर हमारा ऑलरेडी बहुत कमांड है लेकिन क्वॉडेटा पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ा ठीक है जितना होना चाहिए उतना कमांड नहीं था तो एक एक पेज हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने ये बात पाई कि हिप्पो के अलावा सिंगनेथस में भी मेल प्रेग्नेंट होता है मेल में ब्रूड पाउच होता है और सिंगनेथस को पाइप फिश भी कहा जाता है ठीक है तो ऑल ऑफ देम क्या होगा ऑल ऑफ देम इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑल ऑफ देम ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट द पेयर्ड फिन ऑफ फिशेस पेयर्ड फिन ऑफ फिशेस हाँ हाँ आशीष कुमार मौर्य सिंगनेथस को ही पाइप फिश के नाम से जाना जाता है तो हिप्पो कैंपस के अलावा सिंगनेथस में भी मेल में ब्रूड पाउच पाया जाता है ठीक जल्दी से बताइए इसको फिन्स ऑफ फिशेस आर फिशेस के में पेयर्ड फिन कौन कौन से कॉडल एंड वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल पेक्टोरल एंड पेल्विक कॉडल एंड पेल्विक आंसर करिए जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड आप सभी के आंसर क्या आ रहे हैं भाई वेरी गुड पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन क्या होते हैं दैट इज पेयर्ड फिन होते हैं फटाफट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोटेमोड्रामस माइग्रेशन रेफर्स टू द फिश पोटेमोड्रामस माइग्रेशन पोटेमोड्रामस माइग्रेशन किसको कहते हैं पोटेमोड्रामस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर फ्रॉम साल्ट वाटर टू साल्ट वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर जल्दी से बताइए पोटेमो ड्रमस माइग्रेशन किसको कहते हैं फटाफट आंसर करेंगे ओके, वेरी गुड फोर का फाइव का क्या आंसर आ रहा है आपका फाइव का आंसर क्या आ रहा है जल्दी से आंसर करेंगे ओके फ्रॉम फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर बिल्कुल सही फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर हमने कहा था सॉल्ट टू सॉल्ट तो ओसीएनओ ड्रामस हो जाएगा क्या हो जाएगा ओसीएनओ ड्रामस हो जाएगा ठीक और फ्रेश टू आप बताएं फ्रेश टू सी और सी टू फ्रेश तो ये चार तरीके के माइग्रेशन हमने आपको बताए थे है ना फ्रेश टू फ्रेश फ्रेश टू फ्रेश साल्ट टू साल्ट ठीक है फ्रेश टू साल्ट एंड साल्ट टू फ्रेश तो अभी के फिलहाल के लिए तो ये क्वेश्चन सुपर सुपर क्लास 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 इज डिवाइडेड सब सब को कितने में डिवाइड किया गया है फटाफट पट भाई आप लोग आ जाइए और जुड़ जाइए ठीक है और सभी लोग अपना रिवीजन अच्छे से करिए सभी लोग अपना रिविजन अच्छे से करिए सुपर क्लास पिसीज को कितने सब क्लास में डिवाइड किया गया है सुपर क्लास पीसीज को कितने सब क्लास में डिवाइड किया गया है एक्टिनोप्टेरिजी एक्टिनोपटीन कॉन्डिक्थीज प्लेकोडर्माई डरमाई एंड ऑस्टिक्थीज एलेस्मो ब्रांची एंड कॉन्डिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज और टेरिक्थ थीज एंड फटाफट आंसर करिए रिचा मिश्रा वेरी गुड कुवरपाल भास्कर वेरी गुड दैट इज द प्लेकोडर्माई डरमाई कॉन्डिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे आज ठीक है फटाफट क्वेश्चन करते हैं द इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूसिंग फिश द इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूसिंग फिश कौन सी इसमें सी ट्राइगॉन प्रेस्टिश टॉर्पीडो ऑल ऑफ द एवम इन सब क्वेश्चन में टाइम लेना ही नहीं है हम हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है हम आपके आंसर्स आते हैं तब हम मूव करते हैं ठीक है क्योंकि हमें आपका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है और पता चल जाता है कि कौन कितना सही आंसर कर रहा है दैट इज द टारपीडो केवल और केवल देखिए इलेक्ट्रिक रेस को कहते हैं टारपीडो जो है वो इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस करता है

फटाफट आंसर करिए या वेरी गुड लंग फिशेस में किस तरीके के स्केल्स होते हैं क्योंकि ये भी बोनी फिशेस में ही आते हैं ना में तो ये कैसा स्केल है दैट इज साइक् स्केल है ओके okay? कैसा स्केल है साइक्लाइड स्केल है नेक्स्ट स्केल ले सार नेकेड फिश ऐसी फिश बताइए जिसमें स्केल एबसेंट होता है आ, रंधीर सचान बहुत दिन बाद आप दिखे हैं और अमर सेन अमरसेन सिंह न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर लास्ट में ठीक है वेरी गुड जल्दी से बताएंगे आप गुड क्वेश्चन नंबर नाइन ऐसी फिश बताइए जिसमें स्केल एबसेंट है टोटली एब्सेंट स्केललेस फिशेस किसको कहते हैं शार्क एंड कैटफिश लंग फिश एंड टॉर्पीडो टॉर्पीडो एंड बोनी फिश टॉर्पीडो एंड कैटफिश वेरी गुड योर आंसर मस्ट बी नाइन का डी टारपीडो और कैटफिश में पूरी तरह जो है ना स्केल क्या होता है एबसेंट होता है टारपीडो किसने बोला शार्क शार्क किसने बोला शार्क में आपका सी वो भी आ जाता है क्या नाम है जिसको हम लोग पढ़ते हैं अरे स्कोलियोडॉन उसमें स्केल नहीं था स्कोलियोडॉन जो सी आपका फिश डौ, है वो भी एक शार्क है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर है भाई टॉर्पीडो एंड कैटफिश क्या है भाई टॉर्पीडो एंड कैटफिश पढ़ाया लिखाया है सारी चीज़ एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है उसके बाद भी न्यू सिरोटोडस लंग फिश इज द नेटिव ऑफ न्यू ट्रिक बताया था तीन टाइप के डिपनोइ का ट्रिक बताया था आपको और कहा था भूलना मत क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रजेंट करते हैं इसको भूलना नहीं है ठीक है तो इसके तीनों के हमने बताए थे कि कहाँ-कहाँ ये होते हैं आप फटाफट आंसर फट फट करिए न्यू सिरेटोडस इज द नेटिव ऑफ वेरी गुड कहाँ का है ये भाई ऑस्ट्रेलिया का कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओके पढ़ेंगे आप अच्छे से तभी ना सारी चीजें समझ आएंगी चलिए नेक्स्ट प्लेकोडर्म्स कॉमनली कॉल्ड एज प्लेकोडर्म्स को कॉमनली क्या कहा जाता है प्लेकोडर्म्स को कॉमनली क्या कहा जाता है स्पाइनी शार्क लैम्परे प्लेट फिशेस प्लेकोडर्म्स को कॉमनली क्या कहा जाता है जल्दी से आंसर करिए वेरी गुड और लोग जुड़ जाइए भाई और लोग जुड़ जाइए ठीक है सब लोग फटाफट आ जाइए प्लेकोडर्म्स को कॉमनली क्या कहा जाता है गुड स्पाइनी शार्क के नाम से भी जानते इसको हमने लिखाया भी था प्लेकोडर्म्स को स्पाइनी शार्क के नाम से जाना जाता भाई झारखंड वाले इतने परेशान क्यों हो रहे हैं यूपी के अगर यूपी की से वहाँ पे होता ना एलिजिबल होता तो यूपी के ही लोग कितने सारे लोग सेलेक्ट होते क्योंकि अब ऑलरेडी यूपी के लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है झारखंड का सिलेबस हमने डिस्कशन किया है कुछ भी डिफरेंट नहीं है आप इतना परेशान मत हुई हम लोग जो देखते हैं ना उसके बारे उसके बेसिस पे आपको बता रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए बेशक वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अगर कुछ डिफरेंट होगा भी हमने कहा है जो डिफरेंट है उसको हम पढ़ा देंगे आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्रैश कोर्स में दो हज़ार ढाई हजार में आपने आप, हमने आपका एडमिशन लिया है और हम आप हमसे सारी हंड्रेड परसेंट सिलेबस की उम्मीद कर रहे हो और हम हंड्रेड परसेंट पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हैं ना तो थोड़ा तो इंतजार करिए कि अचानक से सब कुछ क्या पढ़ा दें जितना पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे ठीक तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है उसको तोड़ तोड़ के दिया है हमने देखे हैं उसके क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं झारखंड का पेपर चलिए हम एक दिन सॉल्व कराते हैं ठीक है उसका पेपर भी देखा है उसका सिलेबस भी देखा है एनालिसिस भी किया है ठीक चलिए अब बताइए नेक्स्ट 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 घोस्ट फिश रेड फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स आर द नेम ऑफ घोट घोस्ट फिश रेड फिश या किंग ऑफ हेरिंग इज द नेम ऑफ जल्दी से बताइए काइमेरास प्राइगॉन इसको लेना घोस्ट फिश किसको कहते हैं रेड फिश किसको कहते हैं या फिर किंग ऑफ हेरिंग्स कहते हैं इनको किंग ऑफ हेरिंग्स कहते किसको कहते हैं किंग ऑफ हेरिंग्स किसको कहते हैं फटाफट आंसर कर लीजिए वेरी गुड काइमेराज को कहते हैं किसको कहते हैं काइमेराज को आप हमें काइमेरा के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे हमने कहा था काइमेरा एक ऐसी फिश है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए बताइए जिन लोगों को हमने पढ़ाया है इसका एक फीचर यूनिक सा फीचर बताएंगे आप हमें इसका एक यूनिक सा फीचर बताएंगे चलिए हम आगे चल रहे हैं देखिए कैन बी फ्रॉम थीडेंटिफाइड एक्सटर्नली बाय कॉन्ड्रिक को ऑस्टिक से आप कैसे आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं कॉन्ड्रिकीज को ऑस्टिक से कैसे आइडेंटिफाई प्रीति चौधरी हाँ बिल्कुल अभी से आपसे बात करने का मेरा बड़ा मन है सच बता रहे हैं क्योंकि आपने ये क्वेश्चन भी किया था एक बात समझिए हमने कहा जो चीज पढ़ाई जाती और क्लास करते हो कि नहीं आप क्लास करते हो ना तो क्लास में ही बता दिया जाता है कि अगले संडे को क्या रिवीजन है तो ये बात तो आपको क्लास करके ही क्योंकि हमें पता है कि आपको प्रिंट नोट मिल जाता है नोट लेके प्रिंट आउट निकाल के बस बैठ जाते हो है ना तो ऐसे कैसे तैयारी होगी आपकी क्लास किया करिए क्योंकि इतना सीधा सीधा नोट्स मिल गया है आपको सीधे सीधे फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि आपको क्लास करने में बहुत दिक्कत होती है क्लास नहीं करोगे रोज क्लास में बताते हैं कि इस संडे क्या रिविजन होने वाला है गुड सिफेलिक क्लास पर भी पाए जाते हैं अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा इसमें आंसर होगा डी गुड क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं भाई नेकेड गिल होता है वेंट्रल माउथ होता है हेट्रो सर्कल टेल होता है किसमें कॉन्ड्रिक्टीज में तो इसमें ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ठीक वेरी गुड रिचा मिश्रा वेरी गुड चलिए नेक्स्ट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओके द फोर रनर ऑफ टेट्रापो फोर रनर ऑफ टेट्रापोर्ट्स आर टेट्रापो के फोर रनर्स कौन है फोर रनर ऑफ टेट्रापो टेट्रापोर्ट्स के फोर रनर्स मतलब टेट्रापोडा के फोर रनर्स किसको कहे जाते हैं कौन होते हैं फोर रनर चलिए वेरी गुड इसका आंसर लोब्ड फिन लंग फिशेज है क्या है लोब्ड फिन लंग फिशेज है जो टेट्रापोडा के फोर रनर्स होते हैं ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टारपीडो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड इन टारपीडो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड इन टारपीडो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड फटाफट क्वेश्चन करिए जल्दी से क्वेश्चन करिए आंसर करिए इसको नर्व नेट रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रांकियल मसल्स कार्टिलेज कॉम्प्लेक्सेस जो टारपीडो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है फटाफट जल्दी से बताइए सब पढ़ा रखा है आपको क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि एक क्विक रिवीजन आपका होना चाहिए और आपको इतना चांस देते हैं हम पढ़ने का इतना चांस देते हैं कि आपके पास पी है पूरा ही पी है एक बार उसको देखना है वीडियो के साथ पढ़ना है बस उसके बाद हमने कहा शाम में लेक्चर होता है तो आप तुरंत से लेक्चर देख लीजिए डी पे लिख लीजिए सारी चीज़ें जो हम प्रिंट प्रिंट निकाल के उसको रिवाइज़ करिए मॉर्निंग रिवाइज़ करिए दोपहर में रिवाइज़ करिए और कुछ करना ही नहीं है आपको और उसके बाद सेशन जितने होते हैं उसको करो जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसको करो यही हमने कहा है आपको नो नीड टू यू कैन से कि कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई एम लगाने की ज़रूरत नहीं इतनी फैसिलिटी हमने आपको दी है इतनी सारी फैसिलिटी उसके अलावा हमने रैंडम क्विज रखा है उसके अलावा हमने आपको टेस्ट सीरीज़ दिया है तो ये सारी फैसिलिटी आपको दी है ब्रांकियल मसल्स हमने कहा था क्या है ब्रांकियल मसल्स द इैनिस या रिमोरा सकर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जो रिमोरा होते हैं उनमें सकर्स जो होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं रिमोरा में जो सकर्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं वेंट्रल फिन डॉर्सल फिन माउथ और ऑपरक्यूलम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है बुक पढ़ने के बाद ही लगे लगता है तो रिमोरा में अगर हमने कहा कोई क्वेश्चन नहीं भी अगर हमने कराया तो उसको हम कोई पॉइंट अगर हम भूल गए लिखने में तो उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करा लेंगे गुड वेरी गुड वेरी गुड इसमें जो सक्कर होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं डॉर्सल फिन के सक्कर सक्कर फिश हम कहते हैं ना तो शक्कर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डॉर्सल फिन ठीक ठीक है चलिए नेक्स्ट इन फिशेज हर्ट रिसीव वेनस ब्लड ओनली विच इट पंप्स फॉर एरेशन टू मतलब हर्ट हमने कहा था जो फिशेस का हर्ट होता है वो वेनस ब्लड रिसीव करता है मतलब केवल डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और वो एरेशन के लिए किसको पंप करता है एरेशन के लिए और ब्लड डायरेक्टली हर्ट से कहाँ जाता है जल्दी से बताइए तो फटाफट बताइए इन फिशेज हर्ट रिसीव वेनस ब्लड ओनली विच इट पंप्स फॉर एयरेसन टू वेरी गुड दैट इज गिल्स को किसको हर्ट से डायरेक्टली किसको जाता है गिल्स को जाता है गुड इसीलिए इसको ब्रांकियल हर्ट भी कहते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल ऑफ फिश पजेजेस जो सेमी ड्राइंग आयल होते हैं फिशेज से बहुत सारे ऐसे फिश हैं जिसे सेमी ड्राइंग ऑयल ऑप्टेन करते हैं पजेजेस लेसर आयोडीन वैल्यू हायर आयोडीन वैल्यू आयोडीन, आयोडीन एबसेंट नन ऑफ द एब जो सेमी ड्राइंग ऑयल होते हैं ऑफ फिशेज पजेस लेसर आयोडीन वैल्यू हायर आयोडीन वैल्यू आयोडीन एबसेंट नन ऑफ द एब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है दैट इज लेसर आयोडीन वैल्यू क्या है लेसर आयोडीन वैल्यू क्या हो रहा है बफरिंग हो रही है थोड़ा भाई मौसम खराब है तो थोड़ा बहुत जो है ना होता रहता है प्रॉब्लम परेशान मत हो जाएगा सही हो जाएगा इसका आंसर क्या है लेसर आयोडीन वैल्यू लेसर आयोडीन वैल्यू ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन िया बिलोंग्स टू जैसे इसमें बहुत सारे लोग जो है टेस्ट सीरीज के बारे में और कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो प्लीज अभी हमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना है क्लास पूरा देख लीजिए लास्ट में हम आपको बता देंगे ठीक है क्लास के बीच में नो no एडवर्टीजमेंट ओके okay? बताइए लेटिमेरिया किससे बिलोंग करते हैं लेस्मो ब्रांचाई ब्रांकाई डिपनोई कॉन्ड्रिकीज या ऑस्टिक थीज लेटिमेरिया <coughs> मैम आपके नोट्स को से, सेल किया जा रहा है भाई करने दो करने दो किसी ने पैसा खरीद के जो है लिया है तो करे वो उसका बिजनेस कम से कम चले क्या करें किसको रोकें सबको तो सुविधा चाहिए सुविधा हमने दे दी है तो उनको कुछ लोगों को तो पढ़ना है कुछ लोगों को बस जो है नोट 2000 में सारा ही नोट मिल जा रहा है और वो उसको बेचेंगे बीस हजार दो लाख तक ठीक कोई बात नहीं है बस नोट पढ़ लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा ओके जो कंटिन्यूस लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा ठीक चलिए वेरी गुड ये क्या है लेटीमेरिया बिलोंग्स टू डिपनोई अरे बाप रे बाप। belongs to? भाई ये Osteakthes से बिलोंग करता है dipnoe, dipnoe. कौन बोला? Dipnoe, तो लंग फिशेस कहां से लेटीमैरिया लेटीमैरिया को ही हमने कहा था ठीक है, साउथ अफ्रीका से इसको आ, पकड़ा गया था ठीक लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल कहा था जेबीएल स्मिथ ने इसको किसने जेबीएल स्मिथ ने इसको लिविंग फॉसिल कहा था तो ये बताया था हमने लेटीमेरिया क्यों कहते हैं क्योंकि इसके जो स्पाइन होते हैं उसमें सिलोम पाया जाता है तो इसी को सिलोकैंथ कहा जाता है तो ये बोनी फिशे ही है चलिए मरमेड पर्स मरमेड पर्स क्या है इज अ ब्रूड पाउच ऑफ मेल सी हॉर्स टू कैरी एग्स कॉलोनी ऑफ स्केट एंड रेज प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग्स कैप्सूल ऑफ ऑवी पैरस चार्क स्पेशलाइज कैरेक्टर ऑफ माउथ ब्रूडिंग फटाफट बताइए वॉट इज द मरमेड पर्स मरमेड पर्स क्या है ओके गुड वेरी गुड वेरी गुड मरमेड पर्स क्या है प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल ऑफ ऑवी पैरा शार्क ऑवी पैर किस शार्क में एब्सेंट होता है नाम लग बताइए किस शार्क में एब्सेंट होता है ये जल्दी से फटाफट आंसर करिए भाई ए 20 का ए 20 का ए कौन बता रहा है 20 का ए रिचा सक्सेना कार्तिके नूर 20 का ए कैसे हो गया रोल्डी सिंह होश में हो आप लोग बिल्कुल या बताइए हमें नींद आ रही है ऐसा लग रहा है हमको स्कोलियोडॉन में एब्सेंट होता है क्योंकि स्कोलियोडॉन वे भी, भी पैरस होता है तो सी जो डॉग क्या है फिश है आ, वो भी एक शार्क है लेकिन उसमें एबसेंट होता है ठीक है चलिए आप बताइए हमें जरा इन फिशेज द न्यूरोस्ट ऑर्गन अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन हमने कहा था ऑर्गन फटाफट बताइए ऑर्गन किसमें होता है भाई न्यूरोमास्ट ऑर्गन का काम क्या है ये वाटर करेंट के लिए सेंस ऑर्गन है जो कि वाटर करेंट के लिए रेस्पॉन्स वाटर करेंट को सेंस करता है दट इज सेंसिटिव टू वॉटर करेंट ओके चलिए रियो रियो रिसेप्टर है ये क्या है है रियो रिसेप्टर ऑफ द फिश हर्ट फिश हर्ट क्या है फिशेस के हर्ट की पेक्यूलैरिटी क्या है ठीक है विशेषता क्या है टोटल आर्टेरियल ब्लड टोटल वेनस ब्लड नो ब्लड एट ऑल पार्टली वेनस एंड पार्टली आर्टेरियल ब्लड फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर बाइस क्वेश्चन नंबर बाइस का आंसर क्या है वेरी गुड टोटल वेनस ब्लड के के सिंह गुड और इसका आंसर क्या है टोटल वेनस ब्लड मतलब पूरा ही डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है फिशेज का हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द मोस्ट पॉइजनस फिश इज किंग ऑफ हेरिंग स्टोन फिश वेल शार्क सेल फिश द मोस्ट पॉइजनस फिश कौन सी है द मोस्ट पॉइजनस फिश कौन सी है भाई जल्दी से आंसर करेंगे जल्दी से आंसर करेंगे किंग ऑफ हेरिंग है स्टोन फिश है वेल शार्क है या सेल फिश है फटाफट आंसर करिए तो जल्दी से जितना एक्टिव हो सकते हैं सारा आलस छोड़ दीजिए बस इतना समझिए बस इतना समझिए हम हम जो है आज पढ़ाने की कंडीशन में नहीं थे नहीं थे इन द सेंस कि बहुत ज्यादा थकान है बस इसलिए आया है ना कि आपका जुनून आपका जोश कम नहीं होना चाहिए और बार बार कह रहे हैं कि बस इसलिए मत पढ़ो कि हम बस जो है कि मंजिल तो सबको पानी है और नहीं मिली तो उसमें क्या दिक्कत है भाई नहीं मिली तो क्या दिक्कत है हमारे पास नॉलेज रहेगा ना तो तो भी हम बहुत आगे जाएंगे है ना बस इसलिए पढ़ो इसलिए पढ़ो और लेकिन पढ़ो कैसे भी करके पढ़ो कुछ भी हो जाए पढ़ना है ठीक है थोड़ी डिस्टरबेंस होती है लाइफ में घर में इधर उधर वो चीज जो है वो भाई लाइफ जो है ना अप्स एंड डाउन हमने बार बार बताया है ना कि ईसीजी की तरह है जिंदगी ओके okay? लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है चलिए इसको बताइए द मोस्ट पॉइजनस फिश क्या है आपके कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ओके वेरी गुड आपको दैट इज स्टोन फिश जो स्टोन फिश है वो सबसे पॉइजनस फिश है फटाफट आंसर करिए नेक्स्ट इसको मैच कराइए जल्दी से इसको मैच कराइए जल्दी से इसको मैच करात कराना है आपको एनाबेस डायोडॉन टेट्राडॉन ट्राइगॉन फटाफट आंसर करिए इसको क्या है पारक्यूपाइन फिश ग्लो फिश स्टिंगरे और क्लाइंबिंग पर्च तो हमने कहा था आपको इसको आ, आपका आंसर देखना है क्योंकि हमने तो पढ़ा रखा है हमें आंसर आपका देखना है अब ठीक हमें आंसर आपका देखना है ओके okay? ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फोर का आप, आप लोग ऑप्शन क्या बता रहे हैं ट्वेंटी फोर का बी बता रहे हैं गुड वेरी गुड एनावास भाई क्लाइंबिंग पर्च है दैट इज फोर और ये क्या हो गया फोर हो गया डायोडॉन डीपी डीपी पी पार्क्यूपाइन फिश ठीक दैट इज वन टेट्राडॉन दैट इज ग्लो फिश हो गया ट्राई Tri, ट्राइगॉन क्या हो गया स्ट्रिंग ग्रे हो गया तो फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री बी आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा बी आंसर इंटेग्यूमेंट्री कप फिशेज में पेरेंटल केयर भी आपको पढ़ाया था फिशेज में हमने पेरेंटल केयर भी पढ़ाया था तो हमने कहा था इंटेग्यूमेंट्री कप कहाँ पाया जाता है इंटेग्यूमेंट्री कप पेरेंटल केयर के लिए कौन सी फिश में पाया जाता है इंटेग्यूमेंट्री कप्स किस फिशेस में पाए जाते हैं कुर्टूज एरियस हिपो एस्प्रीडो वटाफट आंसर करिए जल्दी से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का विशाल वर्मा टेट्राडॉन टेट्राडोक्सिनकोलाइड जो जापान में लंग इनफेक्शन में यूज किया जाता है वेरी गुड पढ़ाया हमने ओके इंटेग्यूमेंट्री कफ्स पाए जाते हैं एस्प्रीडो में किसमें एस्प्रीडो में बताया था हमने एस्प्रीडो में इंटेग्यूमेंट्री कफ्स पाया जाते हिपो कैंपस में ब्रूड पाउच पाया जाता है इंटेग्यूमेंट्री कफ्स हमने आपको दो फिशेज के नाम बताए थे जिसमें से एक एस्प्रीडो है आउट ऑफ द फॉलोइंग फिशेज विच कैन लिव आउटसाइड द वॉटर फॉर सेवरल डेज ऐसी फिश का नाम बताओ जो कि पानी से बाहर भी कई दिन तक रह सकते हैं जिंदा लेबियो स्कोलियोडॉन एनाबास या फिर डायोडॉन ऐसी फिश का नाम बताओ जो कि पानी के बाहर भी रह सकते हैं कई दिनों तक ठीक ओके दैट इज लेबियो स्कोलियोडॉन एनावास या डायोडॉन गुड दैट इज आंसर। ट्वेंटी सिक्स का एनाबर वेरी गुड किसने आंसर दिया भाई सिप्रा गुप्ता ने गुड वेरी गुड ओके बहुत सारे लोग बता रहे हैं मोहित कुमार पूनम सैनी दिव्या शुक्ला ठीक है दैट इज एनाबस क्लाइंबिंग एना इसके बाद है द स्लोएस्ट फिश सबसे स्लोएस्ट फिश किसको कहते हैं शेल फिश पिगमिक गोभी डॉर्फ सी हॉर्स और स्टोन फिश स्लोवेस्ट अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे सबसे स्लोवेस्ट स्लोएस्ट फिश एकदम हिल मतलब हिलना डुलने से मतलब नहीं है इसको ज्यादा ठीक फटाफट आंसर करिए तो दलोस्ट फिश स्लोएस्ट किसको कहते हैं और अगर स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट पूछे तो बफरिंग तो, हो रही है अब क्या कर सकते हैं थोड़ा मैनेज करिए गुड डॉ सी हॉर्स जो डॉर्फ सी हॉर्स है वो सबसे स्लोएस्ट फिश है सबसे स्मॉलेस्ट फिश कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट भाई गोभी है सबसे स्मॉलेस्ट गोभी है ठीक है ना ये तो हो गया स्मॉलेस्ट ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर वेबेरियन आसिकिल. वेबेरियन ऑसिकिल हेल्प इन वेबेरियन ऑसिकल किसमें हेल्प करते हैं वेबेरियन ऑसिकल क्या होता है और किसमें हेल्प करते हैं लोकोमोशन रेस्पायरेशन स्विमिंग और हियरिंग जल्दी से आंसर करिए वेबेरियन ऑसिकल वेरी गुड किसमें भाई ठीक है गुड दैट इज द किसमें हियरिंग में किसमे हियरिंग में रोल प्ले करते हैं और एक्चुअली इसका भी अगर हियरिंग नहीं दिया हो तो बैलेंसिंग में भी रोल प्ले करते हैं एक्चुअली फिशेस की जो स्कल होते हैं स्कल के पीछे फोर पेयर्स ऑफ वर्टिब्री पाए जाते हैं फोर पेयर्स ऑफ वर्टिब्री वर्टिब्री जिनको हम वेबेरियन uh, ऑसिकल कहते हैं जो कि इनके एयर ब्लैडर को इनके इनर ईयर से कनेक्ट करते हैं क्या करते हैं दैट कनेक्ट्स द एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर को मतलब जो ऑस्टिक्थीज है ऑस्टिक्थीज मतलब बोनी फिशेस में ये एयर ब्लैडर होता है इनको कनेक्ट किससे करते हैं इनर ईयर से कनेक्ट करते हैं इनर ईयर से कनेक्ट करते हैं वेबेरियन ऑसिकल कौन वेबेरियन ऑसिकल क्लियर तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपनोअन इसमें से डिप्नोइ कौन नहीं है डिप्नोइ मतलब लंग फिश इसमें से कौन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिप्नोअस ओके फटाफट बताइए न्योसीटोडस लिपिडोसाइरन नोटोपटेरस प्रोटोपटेरस इसमें से डिप्नोई कौन नहीं है गुड सीमा तस्नीम नाम ले लिया आपका और बताइए हाल चाल पूछें आपसे कैसी हैं आप बढ़िया है सब घर पे बताइए जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिप्नोई डिप्नोई इसमें से कौन नहीं है वेरी गुड दैट इज द नोट ऑफ इसमें से डिप्नोई नहीं है ओके चलिए नेक्स्ट 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 आइए इसको मैच कराइए नेक्स्ट okay. मैच कराइए निखिल मिश्रा जी ओके लेपिडोसाइरेन प्रोटोपटेरस न्यूसिरोटोडस और लोफिनस फटाफट मैच कराइए विशाल आर वर्मा आपसे पूछा गया कुछ ठीक है फटाफट फट मैच कराएंगे इसको थर्टी लेप्टोसाइरेन कहाँ का है क्या है आपके आंसर देखना है हमें बिल्कुल साल से बताया था हमने दैट इज साउथ अमेरिकन लंग फिशेस सेकेंड हो गया क्या हो गया सेकेंड प्रोटोपटेरस प्रोटोपटेरस अफ्रीकन और उसके बाद दैट इज न्यू सिरोटेटस न्यू सिरोटेटस क्या है ऑस्ट्रेलियन और फिर लोफियस दैट इज साउथ अमेरिकन तो ये हो गया आपका आंसर सेकेंड इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया ओके okay? चलिए नेक्स्ट विच इज़ नॉट द लार्वेशियस फिश इसमें से ऐसी फिश का नाम आज तक आपने हो सकता है केवल एक ही लार्वेशियस फिश का नाम सुना हो लेकिन आज, आज आप सुनेंगे कि तीन तीन लार्वेशियस फिशेस हैं जो कि लार्वा पे ईट करते हैं किस पे ईट करते हैं लार्वा पे ईट करते हैं तो इसमें से लार्वेशियस फिश कौन नहीं है उसमें है बैलिस्टिस गेम्बूसिया टलेपिया और ठीक है बैलिस्टिस गेम्बूसिया टिलेपिया औरज़िया से कौन ऐसी फिश है जो हो और ये गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ठीक है वेरी गुड इसमें आंसर आएगा बैलिस्टिस इसमें से बेलिस्टिस एक ऐसी फिश है जो लार्वेशियस नहीं है बाकी सारे ही जो है ना वो लार्वेशियस है ओके चलिए नेक्स्ट इन फास्ट स्विमिंग फिशेज प्रोपल्सन इज मेनली ड्यू टू जो फास्ट स्विमिंग स्विमिंग फिशेज होती हैं उसमें प्रोपल्सन किसकी वजह से होता है कॉर्डल फिन पेक्टोरल फिन डॉर्सल फिन पेल्विक फिन प्रोपल्सन इन फास्ट फिशिंग स्विमिंग फिशेज प्रोपल्सन इज मेनली ड्यू टू कॉर्डल फिन पेक्टोरल फिन डॉर्सल फिन पेल्विक फिन फटाफट आंसर करेंगे गुड इवनिंग अंसारी प्रिंसेस प्रेम श्री हां गेंबूसिया खाती है तो हमने कहा, कहा कि गेम्बूसिया नहीं खाती है हमने कहा क्या ऐसा कुछ नहीं ना ठीक है जल्दी से आंसर करिए भाई दैट इज कॉर्डल फिन क्या आंसर आएगा इसका कॉर्डल फिन नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट इसको मैच कराइए स्यूडोपोडिया पैरापोडिया मस्कुलर फीट और फिन इसका आंसर सीडोपोडिया पैरापोडिया मस्कुलर फूट और फिंस ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप आराम से कह लेंगे कि भाई सीडोपोडिया कहाँ होता है सीडोपोडिया कहाँ होता है, <clears throat> कहा है पैरापोडिया कहाँ होता है और मस्कुलर फूट कहाँ होता है और फिंस कहाँ होते हैं ठीक है, है? जल्दी से बताइए एम प्रियंका ठीक है कोई बात नहीं है स्यूडोपोडिया आपको पता है भाई थ्री हो गया इसका आंसर तो अब थ्री हो गया पैरापोडिया किसमें है एनलीडा में है फोर हो गया तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और मस्कुलर फूट मोलस्का में है फिंस किसमें है कॉन्ट्रिक में है एक और चीज बताना हमें आप स्यूडेपी पोडिया कहाँ पाया जाता है स्यूडेपी पोडिया स्यूडेपी पोडिया वॉट इज स्यूडेपी पोडिया और कहाँ देखने मिलता है आपको किस ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है सुडेपीपोडिया का पहला किस ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है दूसरा इसका अनदर नेम क्या है इसका अनदर नेम क्या है सुडेपीपोडिया का दूसरा नेम क्या है अगर सीडोपोडिया ना दे के सीडेपीपोडिया दे दिया ठीक है रोही रोहिणी जल्दी से बताइए शिखा मौर्य ने बताया पाइला में गुड किसमें पाइला में और इसको नूचल लोब्स के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं नूचल लोब्स के नाम से भी जानते हैं हर्बी वोरस कार्प्स इनमें कौन कौन है हर्बी वोरस कार्प्स इसमें कौन कौन है भाई हर्बी वोरस कार्प्स कौन कौन है इसमें आएगा आपका कैटला मंगूर लेवियो एंड हिलसा आ, शार्क एंड सिंगला हरबी ओरस कार्प कौन है ठीक ठीक है ठीक है जल्दी से आंसर करिए संध्या शुक्ला कनक जी अलका दिव्या यादव विनीता वेरी गुड वेरी गुड इसका आंसर क्या है दैट इज़ लेबियो एंड हिलसा इसका आंसर है लेबियो एंड हिलसा गुड चलिए नेक्स्ट सिसिलियंस बिलोंग्स टू द ऑर्डर सिसिलियंस सिसिलियंस बिलोंग टू ऑर्डर सिसिलियंस किस में आते हैं जिसको हम लिम uh, बताएंगे नहीं हम बस हम आपकी तैयारी चेक करना चाहते हैं बताइए बफरिंग 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 होने दीजिए क्या करें इसके लिए हम बताइए सिसिलियंस किसमें में ऑर्डर में आते हैं यूरोडेला एन्यूरा जिम्नोफियोना या सैलियंस यामाते किस, किस में आते हैं भाई सिसिलियंस किस में आते हैं ओके फटाफट आंसर करिए देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा 35 का सी जिम्नोफियोना जिम्नोफियोना आंसर आपको पता होना चाहिए किस आते हैं जिम्नोफियोना में लिम्लेस एंड ब्लाइंड फिशेस ब्लाइंड वर्म ठीक क्लास कॉन्ड्रिक्ट थीस इज डिवाइडेड इन टू टू सब क्लास कॉन्ड्रिक्ट थीस जो लेस्मो ब्रांच फिशेस हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनको किन दो क्लास में डिवाइड किया गया है उनको किन दो क्लास में डिवाइड किया गया है ठीक है कॉन्ड्रिक्ट थीस को किन दो क्लास में डिवाइड किया गया है सारकोपटेरिजी एक्टिनोपटेरिजी या सिलेचियन होलोसेफैली सिलेचियन सारकोपटेरिजी कोइनोक uh, क्या है कोइनोक थीज़ आपका आंसर आना चाहिए आपका आंसर आना चाहिए दैट इज सिलेची एंड होलो सिफेली इसका आंसर क्या है सिलेची एंड होलो सिफेली पढ़ा रखा है हमने आपको बताया था कॉन्ट्रिक थीस को दो जो है सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है सिलेची एंड होलो सिफेली ठीक आइए नेक्स्ट लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है मेगेलो बेटाकस एम्फियोमा जीनोपस और फिलोपेट्स ठीक है सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है लार्जेस्ट आरबीसी लार्जेस्ट आरबीसी किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएंगे शिवांगी वर्मा मैम आपकी जीएससी नोट मेंस की नोट चाहिए कैसे दे नोट्स बताइए थमा दें यहां से उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको फुलफिल करना पड़ेगा तब ना दे पाएंगे नोट कैसे ऐसे नोट दे दें ऐसे नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे उसके लिए हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा इफ यू आर रियली सीरियस फॉर जी आई सी मेन्स एग्जामिनेशन तो हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा ऐसे जी आई सी जी आई सी क्यों नहीं कितने लोगों का जी आई सी हुआ जितने लोगों का हुआ उसमें बताइए मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स कायदे से पढ़े थे तभी हुआ एम्फ्यूमा किसका एम्फ्यूमा एंड प्रोटीयस आपको बताया था हमने और जिसका लार्जेस्ट आरबीसी अगर मैमल्स में सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करें तो कस्तूरी मृग में मस्क डियर में कस्तूरी मृग कहते हैं इसका सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी ठीक चलिए बताइए इन कार्टिलेजिनस फिश फॉर्म बॉडीज कहाँ होते हैं हाँ एम्फ्यूमा ऑल्सो कॉल्ड एस कॉन्गोइल ठीक कार्टिलेजिनस फिशेस में रेस्टी फॉर्म बॉडी कहां पाया जाता है पढ़ाया था हमने आपको कार्टिलेजिनस फिशेस में रेस्टी फॉर्म बॉडी कहां पाया जाता है आइज में हार्ट में ब्रेन में इंटेस्टाइन में जल्दी से बताएंगे आप जल्दी से बताएंगे ओके ओके किस में पाया जाता है भाई ब्रेन में हमने आपको ब्रेन बताया था रेस्टी फॉर्म बॉडी रेस्टी फॉर्म बॉडी कार्टिलेजिनस फिशेज में जो रेस्टिफॉर्म बॉडी होता है वो कहाँ पाया जाता है ब्रेन में ठीक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रॉक पजेज फाइव फिंगर फोर टोज फोर फिंगर फाइव टोज फाइव फिंगर एंड फाइव टोज फोर फिंगर एंड फोर टोज फ्रॉक में क्या होता है फ्रॉक पजेजेज जल्दी से आंसर करिए फ्रॉक पजेजेज फाइव फिंगर एंड फोर टोज फोर फिंगर एंड फाइव टोज फाइव फिंगर एंड फाइव टोज एंड डी इज द फोर फिंगर एंड फोर टोज गुड वेरी गुड क्या आंसर होना चाहिए आपका थर्टी नाइन का थर्टी नाइन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का जल्दी से बताइए बी फोर फिंगर एंड फोर फिंगर एंड फाइव टोज फोर फिंगर एंड फाइव टोज अब इसमें से क्लॉड कौन होते किसमें सॉरी वेब्ड कौन होते हैं वेब्ड वेब्ड कौन होते हैं वेब्ड कौन होते हैं फिंगर की टो फिंगर की टो फोर नॉन वेरी गुड जो फिंगर्स होते हैं वो नॉन वेब्ड होते हैं और जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं है ना बताया था हमने आपको द नंबर ऑफ क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व इन फ्रॉग इज फ्रॉग में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व फ्रॉग में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व कितने पेयर होते हैं कितने पेयर होते हैं जल्दी से आंसर करिए में और जल्दर कितने पेयर होते हैं पेयर ईच ट्वेल्व पेयर ईच टेन पेयर एंड ट्वेल्व पेयर रेस्पेक्टिवली टेन पेयर ईच वेरी गुड का डी टेन पेयर स्पाइनल नर्व भी होता है और टेन पेयर क्रैनियल नर्व्स भी होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्प्लेक्सरी पैड इन द टोड इज द एम्प्लेक्सरी पैड्स एम्प्लेक्सिस का मतलब जब मेल जो है फीमेल को कैच करता है उस प्रोसेस को एम्प्लेक्सिस कहते हैं हमने बताया था वेन मेल catches फीमेल फॉर द कॉप्यूलेशन दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लेक्सिस ठीक तो एम्प्लेक्सरी पैड जिसको नुपचियल पैड के नाम से भी जानते हैं किसको इसको हम नुपचियल पैड के नाम से भी जानते हैं और नुपचियल पैड किस में प्रेजेंट होता है ओनली मेल में प्रेजेंट होता है और कहा प्रेजेंट होता है जल्दी से बताइए राघवेंद्र यादव रजनी त्रिपाठी वेरी गुड सरिता वेरी गुड प्रेजेंट ऑन टू इनर फिंगर्स किसमें टू इनर फिंगर्स पे प्रेजेंट होता है मेल के चलिए नेक्स्ट और फोर लिम में किसमें फोर लिम में, four limb में. फॉलोइंग इज द लिंबलेस एम्फीबियन इसमें से लिंबलेस एम्फीबियन कौन है इसमें से लिंबलेस एम्फीबियन कौन है सोनम वर्मा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको भाई हाँ इसमें से लिम्बलेस एम्फीबियन कौन है बताइए जल्दी से दैट इज सेलमेंडर इक्टिओफिस एंजुला यूरोपेल्टिस

अडल्ट में भी लार्वा के कैरेक्टर क्या बताया था दिल तो बच्चा है जी क्या कहते हैं इसको रुबीना परवीन नॉलेज ओशियन ठीक वेरी गुड इसका आंसर है दैट इज न्यो टेनी और अगर अगर अगर, अगर लार्वा सेक्सुअल मेच्योरिटी शो करे तो हम क्या कहते हैं लार्वा अगर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन शो करे तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोनों ही हमने अलग अलग आपको बताया था लार्वा बिलोंग्स टू दिटल लार्वा किस ऑर्डर से बिलोंग करता है एग्जोलेटल लार्वा किस ऑर्डर से बिलोंग करता है यूरोडेला एन्यूरा एपोडा स्टीगोसिफेलिया किस ऑर्डर का लार्वा है ये फटाफट पट आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए भाई एग्जुलेटर लार्वा कौन पीडोजेनेसिस बता रहे भाई निखिल मिश्रा रोही ये पीडोजेनेसिस कहां से हो जाएगा चलिए वेरी गुड किसका है ये यूरो किसका है ये जल्दी से बताएंगे आप दैट इज यूरोडेला कॉडेटा यूरोडेला जिसमें आपके सेलमेंडर और न्यूट्स आते हैं किसमें आते हैं यूरोडेला में आते हैं, में आते हैं आपके toad, और में आपको पता ही है enura, जिसको हमने क्या कहा था दट इजना आपको याद होना चाहिए जीनस मिड वाइफ टोड बिलोंग्स टू द जीनस मिड सॉरी ए पोडा में नहीं ए पोडा में आपके आते हैं दैट इज जिम्नोफ्योना को ही ए पोडा कहते हैं एनयूरा को सैलिय कहते हैं जिसमें आपके फ्रॉग एंड दो उड़ाते हैं और यूरोडेला को कॉडेटा कहते हैं जिसमें सेलेमेंडर और न्यूट्स आते हैं है ना चलिए नेक्स्ट बताइए मिड वाइफ टोड बिलोंग्स टू द जीनस मिड वाइफ टोड किसको कहते हैं मिड वाइफ टोड किसको कहते हैं ब्यूफो एलाइटस जीनोपस हाइला ब्यूफो एलाइटस जीनोपस हाइला वेरी गुड 45 का बी एलाइटस को कहते हैं जीनोपस प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए हाइला को क्या कहते हैं ट्री फॉग ब्यूफो कॉमन टोड है ठीक चलिए नेक्स्ट एम इज फाउंड इन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एम बाई कहां पाया जाता है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जल्दी से आंसर करेंगे आपको ट्रेंड किसके लिए कर रहे हैं रैंडम क्विज के लिए जब रैंडम क्विज के क्वेश्चन होंगे तो झटके लगेंगे आपको है ना कि अभी जो है आप बस इस तरीके से छोटे छोटे क्योंकि संडे रिवीजन में हम केवल एक रिवीजन के पर्पज़ से क्वेश्चन कराते हैं रैंडम क्विज़ में आपको बहुत जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप की जितनी पढ़ाई हुई हो आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद अब जब इसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो देखा जाएगा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है किसमें पाया जाता है भाई दैट इज एम्बाइस्टोबा किसमें पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइजनस एम्फीबियन इसमें से पॉइजनस एम्फीबियन कौन है हाइला ब्यूफो मेरिनस राना टिग्रीना नेक्ूरस इसमें से पॉइजनस एम्फीबियन कौन है पॉइजनस एम्फीबियन कौन है हाइला है ब्यूफो मेरिनस है राना टिग्रीना है नेक्ट्यूरस है दैट इज फोर्टी सेवन सेवन का आंसर क्या है विमलेश राठौर मिनी कुमारी मोहित कुमार और संध्या शुक्ला ओशियन ठीक है ब्यूफो मैरिनस ठीक टोड जो कि पॉइजनस होते हैं ओके okay, नेक्स्ट

रेबिट और फ्रॉग के वेनस सिस्टम में क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है वेरी गुड वेरी गुड दैट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है फ्रॉग में लेकिन रेबिट में एबसेंट है रीनल पोर्टल सिस्टम रेबिट में एबसेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन हार्न टोड इज एन हार्न टोड क्या है फिश एम्फीबियन रेपटाइल या नन ऑफ दीज हमने आपको बताया भी था हार्न टोड क्या है फिश है एम्फीबियन है रेप्टाइल है कि नन ऑफ दीज और इसका साइंटिफिक नेम क्या है हॉर्न टोड का ओके <coughs> फिशेस okay. है एम्फीबियन है रेप्टाइल है कि नन ऑफ दीज है वेरी गुड दैट इज द रेप्टाइल है क्या नाम बताया था हमने आप नाम बताइए हमें इसका नाम बताएगी आप हॉर्न टोड को क्या कहते हैं किसी ने बता रहे हैं एम्फीबियन गलत है ये ठीक है ये एक रेप्टाइल है लिखाया भी था हमने जो हमने आपको एक नोट दिया था उसमें हमने आपको बताया भी था देखिए बिंदुसार यादव बता रहे हैं फ्राइनोजोमा इसको क्या कहते हैं फ्राइनोजोमा के नाम से जानते हैं और फ्राइनोजोमा फ्राइनोजोमा एक रेप्टाइल है ठीक ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एनिमल्स विच बिलोंग्स टू चिलोनिया 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 से कौन बिलोंग करता है चिलोनिया एक ऑर्डर है तो एनिमल्स बिलोंग टू चिलोनिया लीजर्ड बैड टूएटरा टर्टल्स कौन है चिलोनिया से फटाफट आंसर करिए एनिमल्स विच बिलोंग टू चिलोनिया हाँ हाँ लीजर्ड है सरिता बिल्कुल ये एक रेप्टाइल है रेप्टाइल में भी लीजर्ड है फ्राइनोजोमा वेरी गुडी पैरस है चलिए नेक्स्ट बताइए वेरी गुड टर्टल्स टर्टल्स टार्टाइजेस ठीक है beans, ये सब क्या है? order हैं चिलोनिया ऑर्डर से बिलोंग करते ठीक है चिलोनिया ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ऑर्डर स्क्मेटा में कौन आते हैं हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट होता है ऑर्डर स्क्वामेटा में कौन आते हैं बैट क्रोकोडाइल टर्टल एंड पेंगुलिन लीजर्ड एंड स्नेक स्क्वाटा ऑर्डर में कौन आते हैं बैट क्रोकोडाइल टर्टल एंड पेंगुलिन लीजर्ड एंड स्नेक्स वेरी गुड फिफ्टी वन का आपका आंसर आ रहा है दैट इज डी लीजर्ड एंड स्नेक्स आते हैं। कौन आते हैं भाई लीजर्ड एंड स्नेक्स आते हैं ठीक वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वेस्टीजियल हेंडलिम अकर इन द स्नेक कौन से स्नेक में वेस्टिजियल हेंडलिम देखने मिलता है किस स्नेक में वेस्टिजियल हैंडलिम हाँ देखने मिलता है पेल्विक गर्डल के अवशेष देखने मिलते हैं पाइथन कोबरा एंड, एंड, सी।, सी क्या आंसर आ रहा है आपका आपका आंसर बहुत जरूरी है हमें आपका फीडबैक हम यहां खड़े होते हैं तो हमें आपका फीडबैक बहुत जरूरी है ठीक है आशीष कुमार मौर्य कह रहे हैं जोर देके बताया था अच्छा ठीक है मतलब आप लोग बातें हमारी रिकॉर्ड करते हो हम क्या बोलते हैं वो आप लोग कॉपी करते हो बहुत बार ऐसा होता है जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो एक बार तो ऐसे ही हुआ था एक स्टूडेंट क्लास में, में मेरी मिमिक्री कर रहे थे और अचानक से हम जब क्लास में जैसे ही घुसने जा रहे थे तो पीछे से हमने आवाज़ सुनी मेरे ही सेंटेंसेस uh, थे ठीक है तो हम रुक गए और फिर जाके पीछे वाले बेंच पे बैठ गए और काफी देर तक वो मेमिक्री करता रहा और हमारे अगल बगल के जो स्टूडेंट है वो सहम गए थे बैठे थे हम देख रहे थे अच्छा में मिक्री कर रहा था वो लेकिन मेरा फेवरेट स्टूडेंट था काफी अच्छा था पढ़ने में तो क्या है यहाँ पे वेस्टिजियल हैंडलिम अकर इन द स्नेक किस में होता है बो एंड पाइथन दोनों में होता है भाई बो एंड पाइथन दोनों में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी ठीक है नीट का स्टूडेंट था वो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइजन स्नेक्स आर प्रेजेंट ऑन द बोन स्वाइजन फैंग्स होते हैं फैक्स इन स्नेक्स आर प्रेजेंट ऑन द बोन किस बोन में किस बोन का जो पॉइजन फैक्स है ना फैंग्स किसका मॉडिफिकेशन होता है बोन अगर आपसे पूछे तो आपको वोमर की मैग्जिला की पैलेटाइन की प्री पॉइजन फैंग जो फैंग होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं भाई वेरी गुड मैग्जिला के किसके मैग्जिला ओके चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नेक सी स्नेक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है सी स्नेक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यहां हम जब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था एकदम बढ़िया से तो आप बताना राउंड टेल है कि फ्लैट टेल है कि <coughs> मतलब है कि वेरी गुड फिफ्टी है फिफ्टी फोर का क्या आंसर आ रहा है दैट इज फ्लैट टेल क्या आंसर आ रहा है कंप्रेस्ड या फ्लैट टेल सी स्नेक दट इज द फीचर ऑफ वेनमस स्नेक है ना हमने कहा था जो वेनमस स्नेक मतलब पॉइजनस स्नेक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जेकॉपसन ऑर्गन इज रिलेटेड टू जेकॉपन ऑर्गन इज रिलेटेड टू जेकॉपन ऑर्गन किससे रिलेटेड होता है एक बात हमें जरा बताना कि जो जेकॉप्सन ऑर्गन है जेकॉपसन ऑर्गन इसका दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम क्या है एन अदर नेम और क्या ये ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये किसका फीचर है ये किसका फीचर है जेकॉफ्सन ऑर्गन किसका फीचर है 55 का डी स्मेल और ये इसको और क्या कहते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन है ना नेजल ऑर्गन ये किसका फीचर है कहाँ पाया जाता है किसका फीचर है जल्दी से बोमेरो नहीं वोमेरो बहुत बफरिंग कर रहा है भाई अब क्या करें यूरोमेस्ट्रिक्स में नहीं मतलब भाई एम्फीबिया में भी होता है हाँ कंचन मिश्रा ये एम्फीबिया में ये रेप्टाइल्स में ये बहुत सारे जो है ना मतलब वर्टिब्रेट में बहुत सारे वर्टिब्रेट में देखने मिलते हैं एम्फीबियन में भी होता है ये याद रखना ठीक तो ये नहीं पूछेगा कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछेगा कि इसका दूसरा नाम और ये किससे रिलेटेड है वेन द टेल इज सिलेंड्रिकल एंड द वेंट्रल स्केल्स डू नॉट एक्सटेंड द एंटायर विट ऑफ द बेली द स्नेक इज स्नेक का जो लोगों ने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक एकदम अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये बात पता है कि टेल अगर सिलेंड्रिकल हो तो हम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं टेल फ्लैट है तब तो हमने कहा था कि वो कैसा होता है वो श्योर है कि वो कैसा होगा वो वेनमस होता है मतलब जैसे सी स्नेक लेकिन टेल अगर सिलेंड्रिकल है तो टेल फिर हम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेली स्केल बेली स्केल छोटी है और यूनिफॉर्म uh, है तब तो वो नॉन पॉइजनस है नॉन पॉइजनस और बेली स्केल डू नॉट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ तो क्या है भाई इसका आंसर क्या है वेरी गुड ये भी नॉन पॉइजनस है क्या है नॉन पॉइजनस है इधर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस नहीं जब बेली स्केल पूरी लेंथ में जाएगा तब हम कहेंगे इधर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस है ना ये चीज पढ़े होंगे जो लोग वही जानते होंगे चलिए नेक्स्ट इन स्नेक्स द पॉइजन ग्लैंड और मॉडिफिकेशन ऑफ स्नेक्स में पॉइजन ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन होते हैं किस ग्लैंड के मोडिफिकेशन होते हैं होते हैं मॉडिफिकेशन मैगजिला के लेकिन जो पॉइजन ग्लैंड है वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं लिंजुअल ग्लैंड पेरोटिड सब लिंजुअल या मोलर ग्लैंड लिंजुअल पेरोटिड सब लिंजुअल या मोलर ग्लैंड ठीक जल्दी से बताइए फटाफट बताइए ठीक है वेरी गुड दैट इज द पेरोटेड ग्लैंड क्या पेरोटेड ग्लैंड नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा व्हाट इज मोलर ग्लैंड जरा बताना हमें तो मोलर ग्लैंड किस में होता है मोलर ग्लैंड क्या है मोलर ग्लैंड क्या है और कहा पाया जाता है डिटेल बैच के स्टूडेंट जिनको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है उनको पता होगा उनको पता होगा मोलर ग्लैंड क्या होता है मोलर ग्लैंड क्या है भाई ये भी एक सेलिवरी ग्लैंड ही है मोलर ग्लैंड अरे आप याद करो हमने कहा था ह्यूमन में थ्री पेयर सेलिवरी ग्लैंड होता है हर्बी वोर्ड्स में फोर पेयर एलिवरी ग्लैंड होते हैं और कार्निवर्ड्स में फाइव पेयर सेलिवरी ग्लैंड होते हैं ठीक है ठीक है बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते टाइम तो उसमें से एक जो चौथा है वो जय जाइगोमेटिक भी एक सिलीवरी ग्लैंड जाइगोमेटिक एक बोन होती है हमारी चीक बोन को भी जाइगोमेटिक कहा जाता है लेकिन जाइगोमेटिक इज ऑल्सो अलीवरी ग्लैंड और एक मोलर हो गया ठीक है चलिए देखिए बताइए किडनी आर फाउंड जाइगोमेटिक बोन जो है दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट बोन ऑफ अवर फेस दैट इज चीक बोन जिसको हम चीक बोन के नाम से जानते हैं जाइगोमोमेटिक इज ऑल्सो अलिवरी ग्लैंड ठीक है ठीक गुड बताइए हमें यहां पे बताइए मेटानेफ्रिक किडनी कहां पाया जाता है भाई मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ पाया जाता है मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है आपके रेप्टाइल्स से स्टार्ट हो जाता है वेरी गुड दैट इज मैमल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मेमल्स पियर शेप्ड हेड शार्पली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स इज द फीचर पियर शेप्ड या ट्राइंगुलर शेप्ड कह सकते हैं uh, मतलब ट्रैंगुलर हेड हो या पियर शेप्ड हेड हो जिसमें छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट हो छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट हो ठीक है छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट हो ये किसका फीचर है ये किसका फीचर है फटाफट बताइए यही बताया था ना आप बताइए छोटे छोटे स्केल्स हो वो किसका फीचर है फटाफट आंसर करिए भाई दैट इज वेरी गुड 59 का नॉलेज ओशियन बता रहे वाइपर्स किसका वाइपर्स वाइपर्स में भी एक पिटलेस है और एक पिट वाइपर है तो जो पिट वाइपर है उसमें पिट नहीं होगा और पिट सॉरी जो पिटलेस वाइपर है उसमें पिट नहीं लोरियल पिट नहीं होगा और जो पिट वाइपर उसमें लोरियल पिट प्रेजेंट होता है तो ये वाइपर का फीचर है किसका फीचर है वाइपर का फीचर चलिए नेक्स्ट नेम ऑफ पैरस स्नेक इसमें से वीवी पैरस स्नेक का नाम बताओ वीवी पैरस स्नेक के लिए हमने आपको कोड भी बताया था वो तो कभी नहीं गलत करोगे ना पैरस स्नेक के लिए हमने एक कोड बताया था वो कभी नहीं भूलना है नेम अवी पैरस स्नेक क्या है विवी पैरस स्नेक दैट इज सी स्नेक वाइपर बोआ ऑल ऑफ देम वेरी गुड ऑल ऑफ देम क्या है ऑल ऑफ देम ठीक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है नाजा नाजा वाइपेरा रसेलाई मंगेरस और नाज़ाहन्ना। किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है ठीक है वेरी गुड आपके आंसर्स क्या हैं 61 वन दैट इज ओके नाजा नाजा ओके okay, नाजा नाजा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट इज स्टंपी लेटरली कंप्रेस्ड टेल स्टंपी लेटरली कंप्रेस्ड टेल जो होता है स्टंपी लेटरली कंप्रेस्ड टेल किसका फीचर है स्टम्पी लेटरली कंप्रेस टेल किसका फीचर है फटाफट आंसर करिए एक सेकेंड हमने क्या पूछा था आपसे साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा पूछा था सॉरी किंग कोबरा है ना तो किंग कोबरा नहीं है इंडियन कोबरा है ये तो नाजा नाजा तो इंडियन कोबरा है। नाजा हन्ना होना चाहिए ना हमने ध्यान नहीं दिया और हम जस्ट आपके आंसर देखते चले गए ध्यान नहीं दिया इसका आंसर नाजा हन्ना होना चाहिए किंग इंडियन कोबरा को नाज़ा नाज़ा कहते हैं इंडियन कोबरा नाज़ा नाज़ा है और नाजा हन्ना जो है वो किंग कोबरा किंग कोबरा क्या है नाजा हन्ना ठीक है हाँ ये या, ये करेक्ट कर लीजिएगा ठीक चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्टम्पी लेटरली कंप्रेस्ड टेल लेटरली कंप्रेस्ड टेल किसको कहते हैं लेटरली कंप्रेस्ड टेल किसका होता है भाई अभी अभी बताया था दैट इज ट्री स्नेक या सी स्नेक या रेड स्नेक या रेटल स्नेक ओके हाँ वही तो मैम अरे तो बताइए ना भाई हमने तो देखा आपके ऊपर आंसर छोड़ दिया है हमने ध्यान ही नहीं दिया हम आपके आंसर तो लगातार सबके आंसर आते जा रहे हैं फिर अचानक से किसी स्टूडेंट ने कहा मैम तो फिर हमने ध्यान दिया कि हाँ ये क्या है तो अचानक से याद आया बताइए सी स्नेक लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी स्नेक चलिए नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट ग्लास स्नेक क्या है व्हाट इज ग्लास स्नेक ग्लास स्नेक किसको कहते हैं भाई ग्लास स्नेक किसको कहते हैं फटाफट आंसर करेंगे दैट इज पॉइजनस स्नेक है ग्लास स्नेक क्या है पॉइजनस स्नेक या नॉन पॉइजनस स्नेक पॉइजनस लीजर्ड नॉन पॉइजनस लीजर्ट फटाफट आंसर करेंगे व्हाट इज ग्लास स्नेक ग्लास स्नेक किसको कहते हैं जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड एक्चुअली में ग्लास स्नेक क्या है दैट इज एक लीजर्ड है भाई ये एक लीजर्ड है ये स्नेक नहीं है नॉन पॉइजनस लीजर्ड जिसको ऑफियो सारस कहते हैं ना भाई ऑफियो सारस तो ये एक लिज़र्ड है ये क्या है एक लिज़र्ड है ओके ऑफी वर्ड आ गया तो आपको पता होगा विच ऑफ द हैज ओनली वन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवीज या लेसर या ऑफिडिया या एक्वेटिक मैमल किसमें बस एक लंग पाया जाता है किसमें बस एक लंग पाया जाता है Which ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लंग एवीज लेसर ऑफिडिया या एक्वेटिक मैमल्स ग्लास ग्लास लीजर्ड भी कहते हैं याद रखना है आप इसको ग्लास लीजर्ड भी कहते हैं हाँ ओके ऑफिडिया किसमें ऑफिडिया में केवल एक लंग पाया जाता है गुड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लिविंग फॉसिल इसमें से लिविंग फॉसिल कौन है डोडो किंग क्रैब किंग क्रैब एंड टूट्रा ट्वेट्रा डोडो एंड किंग क्रैब इसमें से लिविंग फॉसिल कौन है फॉलोइंग इज लिविंग फॉर्सिल डोडो वट इज डोडो डोडो तो भाई एक्सटिंग क्या है एक्सटिंक्ट है ना एक्सटिंग है कहां से बताया था हमने कहा से एक्सटिंकट है मॉरिशियस से कहा से मॉरिशियस से डोडो एक्सटिंकट है मॉरिशियस से किंग क्रैब पढ़ाया है हॉर्स शू कहते हैं किंग क्रैब एंड ट्विटरा इसमें आंसर क्या होगा वेरी गुड किंग क्रैब एंड टू अट्रा ओके गुड किंग क्रैब क्या है किंग क्रैब क्या है लाइम्यूलस दैट इज हॉर्शू भी कहते हैं इसको है ना चलिए डायप्सिड स्कल इज फाउंड इन द फॉलोइंग डायप्सिड स्कल जब हमने आपको रेप्टाइल पढ़ा रहे थे तो एन एफ डायप्सिड ये सब हमने पढ़ाया था आपको डायप्सिड स्कल इज फाउंड इन द फॉलोइंग जिनमें दो टेम्पोरल फोशा पाए जाते हैं डायप्सिड नेट्रिक्स ड्राको टर्टल सेमोरिया क्रोकोडाइल टर्टल सेमोरिया स्वीनोडॉन क्रोकोडाइल एंड वाइपर कैलट्स कोबरा एंड वेरेनोसारस डाइफिड स्कल डाइफसीडा में आप सीधे सीधे बताइए डाप्सीडा में कौन आते हैं सिंपल सी बात है तो इसका आंसर आना चाहिए आपका इसमें आपके क्या आ जाते हैं फटाफट आंसर करिए नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए दैट इज डी इसका आंसर क्या होना चाहिए डाइवसीडा में कौन आते हैं डी मतलब कुल मिला के कैलेट्स कोबरा वेनोसॉरस इसका आंसर डी आने चाहिए डी ओके हाँ, डी मतलब लीजर्ड हैं और आ, स्नेक्स हैं लीजर्ड और स्नेक्स नेक्स्ट आइए नेक्स्ट एंटीवेनम इंजेक्शन यूज फॉर स्नेक बाइट आर प्रिपेयर्ड एट एंटी वेनम एंटीवेनम इंजेक्शन यूज फॉर स्नेक बाइट आर प्रिपेयर्ड एट पढ़ाया था हमने आपको एंटीवेनम इंजेक्शन कहाँ प्रिपेयर किया जाता है आई वी आर आई बरेली एनडीआरआई करनाल हाफस्टि रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई ए आर आई न्यू डेली ठीक है वेरी गुड क्या आंसर आना चाहिए आपका दैट इज हाफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई मुंबई स्पाइनल कार्ड आर कवर्ड बाई एम्फीबियन के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कितने कवरिंग होती है जिसको मेनिंग्स के नाम से जानते किस नाम से ब्रेन की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग को आप मेनिंजेस कहते हैं मेनिंजेस, जिसका सिंगलर टर्म सिंगलर क्या है मेनिक्स है मेनिक्स तो जो एम्फीबियन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड किससे कवर्ड होते हैं? ठीक फटाफट आंसर करिए भाई जल्दी से हमने आपको बताया था कि हमने आपको बताया था हाँ गुड इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा पाया मैटर एंड ड्यूरा मैटर क्योंकि एरेक्नाइड मैटर इज द फीचर ऑफ एरेक्नाइड मैटर इज द फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट एरेक्नाइड मैटर नहीं होगा इसमें बस और बस पाया मैटर और ड्यूरा मैटर होगा पाया मैटर और ड्यूरा मैटर होगा ठीक तो इसका आंसर क्या होगा सी अच्छे से पढ़िए अच्छे से पढ़िए चलिए नेम अ रेप्टाइल विद थर्ड आई नेम अ रेप्टाइल विद थर्ड आई ऐसा रेप्टाइल बताइए जिसमें तीसरी आंख होती है और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कोबरा एंजिस ऑफियार स्वीनोडॉन नेम विद थर्ड आई हां जल्दी से बताएंगे आप वेरी गुड इसका आंसर क्या है दैट इज स्वीनोडॉन से कौन सा जेमेंसिस एनसिस्ट्रोडॉन हाइड्रोफिस बोथ बी एंड सी फटाफट आंसर करेंगे इसमें से कौन सा स्नेक पॉइजनस हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के आपको आ, ट्रिक बताए थे उसमें कौन कार्डियोटॉक्सिन है मतलब हीमोटॉक्सिन है और कौन न्यूरोटॉक्सिन है यह भी ट्रिक बताया था तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन जेमिनेसिस ठीक है या जेमिनिस हाइड्रोफिस बोथ बी एंड सी ओके वेरी गुड दैट इज बोथ बी एंड सी बोथ बी एंड सी इसका आंसर क्या है एनसिस्टेडॉन वाइपर और हाइड्रोफिस दैट इज सी स्नेक सी स्नेक ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज बोथ बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बी वोरस लिजर्ड इसमें से ऐसी लिजर्ड बताइए जो हर्बी वोरस है बाकी मेनली जो लिजर्ड्स होते हैं वो कार्नी वोरस होते हैं लेकिन इसमें से ऐसी लिजर्ड बताइए जो हर्बी वोरस हैं क्या बफरिंग हो रही है क्या ठीक है वेरी गुड दैट इज वॉट द आपके आंसर क्या आ रहे हैं भाई हरबी ओरस में आंसर क्या आएगा बताया था हमने आपको शहजाद अंसारी संध्या शुक्ला और सुषमा पांडे और रजनी त्रिपाठी गुड इगुआना क्या नाम है इसका इगुआना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड सुप्रा लेबियल स्केल टचेस आई एंड नॉस्ट्रिल थर्ड सुप्रा लेबियल स्केल ट आईज एंड नोस्ट्रिल होता है वो आई और नॉस्ट्रिल को टच कर रहा हो तीसरा सुपरा लेवियल स्केल जो यहां पर तो जो तीसरा सुपरा लेवल स्केल है वो आईज और नॉस्ट्रिल को टच कर रहा हो वो किसका फीचर है किसका फीचर है वाइपर करैथ कोबरा ऑल ऑफ दीज थर्ड सुप्रा लेवियल स्केल है वेरी गुड वेरी गुड कोबरा क्या है आंसर इसका भाई कोबरा और फोर्थ इंफ्रा लेवियल स्केल अगर लार्ज हो तो फोर्थ इंफ्रा लेवियल स्केल अगर लार्ज है तो वो किसका फीचर है ये भी हमने आपको बताया था फोर्थ इंफ्रा लेवियल स्केल अगर लार्ज है तो किसका फीचर है ठीक है उसका एग्जाम्पल क्या है दैट इज करैथ ओके क्या है करैत बंग ठीक है वेरी गुड चलिए अगला अगला बताएंगे आप ठीक है अब बताइए आप लोरियल पिट ऑफ पिट वाइपर इज रिसेप्टर रियो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर या ऑल्फेक्टो रिसेप्टर लोरियल पिट क्या है लोरियल पिट क्या है थर्मोरिसेप्टर रियो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर याल्फेक्ट्रो रिसेप्टर वेरी गुड दैट इज थर्मो रिसेप्टर क्या है थर्मो रिसेप्टर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट द पेंगुइन इज फाउंड इन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका या एंटार्कटिका एंटार्क्टिका ठीक है पेंगुइन कहाँ पाए जाते पेंगुइन कहाँ पाए जाते अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एंटार्क्टिका एक तरीके से ये एंडेमिक है एक तरीके से क्या है एंडेमिक है एंडेमिक <coughs> का मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्पेसिफिक प्लेसेस पेंगुइन पेंगुइन कहाँ पाए जाते भाई 74 का डी एंटार्क्टिका कहाँ पे एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका कहाँ पे है साउथ पोल की तरफ है ये इक्वेटर है ये इक्वेटर है ठीक किधर है नॉर्थ पोल की तरफ है कि साउथ पोल की तरफ है एंटार्टिका किधर है नॉर्थ पोल की तरफ है कि साउथ पोल की तरफ है फटाफट आंसर करिए हमने आपको जब इको इकोसिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था बायोडावर्सिटी के टाइम जरा बताना किधर है एंटार्क्टिका नॉर्थ पोल की तरफ कि साउथ पोल की तरफ <coughs> वेरी गुड कहाँ पे साउथ पोल हमने कहा था इक्वेटर से आप इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया ट्रॉपिकल इधर भी ट्रॉपिकल इधर भी ट्रॉपिकल है ना फिर जाएंगे सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है ना इधर भी सब ट्रॉपिकल फिर जाएंगे टेम्परेट ठीक टेम्परेट इधर भी टेम्परेट इधर भी टेम्परेट फिर जाएंगे सब टेम्परेट लेकिन उसको छोड़ देते हैं इधर आर्कटिक और इधर एंटार्कटिक, ठीक है ना आर्कटिक नॉर्थ पोल और एंटार्कटिक साउथ पोल ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड आर अटैच टू बर्ड्स के फ्लाइट मसल किससे अटैच होते हैं क्लेविकल को कील ऑफ स्टर्नम कील को और क्या कहते हैं कैरिना कह कहते हैं iscapula, जो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड होते हैं वो किससे अटैच होते हैं आंसर करिए भाई जल्दी से आंसर करिए बर्ड्स के फ्लाइट मसल किससे अटैच होते क्लेविकल कोरिकॉइड कील ऑफ स्टर्नम स्केप्यूला वेरी गुड दैट इज कील ऑफ द स्टर्नम कील ऑफ द स्टर्नम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

वेरी गुड दैट इज वॉट द क्रॉप ग्लैंड क्रॉप हमें दो और ऐसे एनिमल बताओ जहाँ पे आपने क्रॉप पढ़ा है दो ऐसे और एनिमल बताओ जहाँ पे आपने क्रॉप देखने मिला था जहाँ पे आपको क्रॉप देखने मिला था नेम द टू मोर एनिमल्स जहाँ पे आपको क्रॉप देखने को मिला था अरे हम बर्ड के अलावा पूछ रहे हैं भाई बर्ड के अलावा पूछ रहे हैं कॉकरोच में देखने मिला था लीचेस में देखने मिला था वेरी गुड लीचेस में और कॉकरोच में ठीक है कॉकरोच में हमने बताया था क्रॉप है गीजर्ड लीचेस में हमने आपको बताया था जो क्रॉप है नाइन्थ सेगमेंट से एटीन सेगमेंट तक फैला होता है लगभग दस सेगमेंट का होता है और ये ब्लड स्टोर करता है क्योंकि आपको पता है लीचेस सेंगी होता है शकर्स होते हैं ठीक है इनके माउथ सक्टोरियल्स होते हैं ये ब्लड सकिंग ये वैम्पायर होते हैं क्या होते हैं वैम्पायर होते हैं एक तरीके से लीचेस कैसे होते हैं वैम्पायर होते हैं ठीक है ना चलिए लीच थेरेपी भी होती है आप लोगों को शायद पता भी हो पुराने ज़माने में इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था लीच थेरेपी अगर आपको कुछ आ, कहीं पे आपकी स्किन खराब हो गई है तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि उसका ब्लड वहाँ पे थोड़ा एक तरीके से खराब हो चुका है तो लीच थेरेपी लीच से वह उसको क्या करते थे शक करवाते थे ओके okay. फॉलोइंग इज मैरी थॉट बोन मैरी थाट बोन एक साल तक का मील स्टोर करता है ये सौ दिन का नहीं लगभग एक साल तक का वन ईयर तक का मील स्टोर कर सकता है लीच हाँ हाँ अभी भी होती है होती है सब नहीं है मैरी बोन किसको कहते हैं विश बोन क्लेविकल बोथ ए एंड सुप्राइज कैप्यूला किसको कहते हैं जल्दी से बताएंगे वेरी गुड बोथ एंड जिसी को हम विश बोन क्लेविकल फर्क्यूला बहुत सारा नाम देते हैं ना ठीक है तो यही है दैट इज विश बोन मैरी थाट बोन या क्लेविकल कहते हैं इसको ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिविंग विंगलेस आर फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू द सुपर ऑर्डर किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड ठीक है फ्लाइटलेस बर्ड किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं पैलियोगी ऑडोन्टोगैथी आर्क्योनेथीज नन ऑफ दिस किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं गुड वेरी गुड इसका आंसर आपने क्या बताया सेवेंटी एट का सेवेंटी एट का क्या आंसर है आपका शिवानी विश्वकर्मा रजनी त्रिपाठी दैट इज पैलियो क्या आंसर है इसका दैट इज पैलियो ज्ञी क्या नाम है पेलियो ज्ञी और इसमें आते हैं कौन रेटिटी कौन आते हैं रेटिटी आते हैं भाई ओके okay. ठीक है चलिए रेटिटी नेक्स्ट नेक्स्ट द वेल नोन बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री इज सिचुएटेड ए एट वेल नोन बर्ड सेंचुरी ऑफ आवर कंट्री इज सिचुएटेड एट फटाफट आंसर करिए काजीरंगा बांदीपुर, पलामू या भरतपुर काजीरंगा काजीरंगा बांदीपुर, पलामू या भरतपुर एक सेकेंड थोड़ा सा फोन में कुछ दिक्कत आ रही है ठीक है वेरी गुड सेवेंटी नाइन का डी दैट इज भरतपुर कहाँ पे है ये भरतपुर कहाँ पे है जल्दी से बताइए भरतपुर कहाँ पे है जल्दी से बताइए चलिए भरतपुर बताएंगे कहाँ पे है हाँ सलीम अली को बर्ड मैन कहते हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है राजस्थान कहां पे है तो राजस्थान Tinamus वॉज एन एंडेमिक जीनस ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन बर्ड कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन बताया था टिनेमस टिनेमस एक फ्लाइटलेस बर्ड है है ना Tinamus, जिसको टिनमाऊ भी कहते हैं तो जो टिनेमस है ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है लेकिन किस बर्ड कॉन्टेट जिस बर्ड कॉन्टिनेंट में पाया जाता है वो बर्ड कॉन्टिनेंट कहां पे है पहली आर्कटिक रीजन ओरिएंटल रीजन नियोट्रॉपिकल रीजन या नी आर्कटिक रीजन पढ़ाया है लिखाया है प्रियंका तिवारी सॉरी टू से बट इसमें ऐसी कोई ऐसी इंग्लिश नहीं है जो आपको समझ नहीं आनी चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए क्योंकि मोस्ट ऑफ टीचर्स आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए ही मिलेंगे और बोलते तो हम लोग हिंदी में है ना क्या है इसमें ऐसी कौन सी इंग्लिश है तो अपने आप से ये जो दिमाग से है कि हटा दीजिए इंग्लिश नहीं हिंदी में बताइए ठीक है ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है वेरी गुड न्यो ट्रॉपिकली टूटी फूटी इंग्लिश है जिसे हाय हेलो आप करते हो किसी से हाउ आर यू ये सब वही चीज़ है और क्या है इसमें ठीक है हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जब हमारी क्लास में बहुत से स्टूडेंट पढ़ा करते थे तो स्टार्टिंग में मैम हम लोग हिंदी मीडियम से आए हैं हमको इंग्लिश में दिक्कत होगी मैं भाई सीखता है कोई अचानक से जब हम ट्वेल्थ से बीएससी में जाते हैं तो बीएससी में भी बहुत सारे लोग जो यूपी बोर्ड से होते हैं तो उनको एक हफ्ते दस दिन इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं तो कोई चीज़ आप सीखोगे तब तो आएगा ना इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश तो है नहीं ठीक है नेक्स्ट अमंग द बर्ड्स द लॉन्गेस्ट एनुअल माइग्रेशन इज अंडरटेकेन बाय बाई हमने बताया भी था ग्यारह हजार मील और ये हमने आपको बताया था कि पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया था ठीक है आर्कटिक टर्न फ्लेमिंगो पेंटेड स्टार्क या फिर पैलिकन ऐसे कौन सी बर्ड है जिसने लार्जेस्ट एनुअल माइग्रेशन रिकॉर्ड किया गया था ठीक लार्जेस्ट एनुअल माइग्रेशन रिकॉर्ड किया गया था वेरी गुड भाई चैंपियन फाइटर आर्कटिक टर्न क्या नाम है इसका आर्कटिक टर्न ओके चलिए नेक्स्ट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एडक्टर मसल इन द फ्लाइंग बर्ड इज सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एडक्टर मसल कौन होता है बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल एडक्टर मसल इन फ्लाइंग बर्ड इज ट इज कोरेको ब्रैकलिस लॉन्गस पेक्टोरियलिस मेजर पेक्टोरियलिस माइनर और टेन्सर लॉन्गस ठीक है गुड इसका आंसर क्या है दैट इज पेक्टोरैलिस मेजर द आंसर इज पेक्टोरैलिस मेजर नेक्स्ट इन सिंगिंग बर्ड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स एयर एयरसेक्स सीरिंग्स लेरिंग्स सिंगिंग बर्ड में साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसको आप आराम से सिंगिंग बर्ड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरी गुड इसका आंसर है सिरिंग्स ठीक इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं हम लोगों में लिरिंग्स क्योंकि यहाँ पे जो है इनके जो लेरिंग्स होते हैं इसमें वोकल कार्ड नहीं होता इनमें वोकल कार्ड क्या होता है एबसेंट होता है तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते ये सीरिंग्स साउंड प्रोड्यूशन में हेल्प करता है नेक्स्ट बताइए ड्यूरिंग माइग्रेशन द बर्ड्स डिटरमाइन कंपास डायरेक्टिंग यूजिंग हमने कहा था माइग्रेशन के दौरान माइग्रेशन के दौरान बर्ड्स डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन के दौरान नहीं भाई बफरिंग हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत हो रही है कुछ नेटवर्क इशू है परेशान मत होइए अब क्या करें क्या ये बताइए कल कुछ करते हैं मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हो सकता है माइग्रेशन के दौरान जो बर्ड्स है वो डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं लैंड मेकिंग एंड वाटर मार्किंग एंड वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज एंड माउंटेन्स माउंटेन्स एंड लैंड मार्किंग सेलेस्टियल बॉडीज वेरी गुड सेलेस्टियल बॉडीज जैसे दिन के दौरान सन रात के दौरान स्टार्स और मून ये सब से, ठीक है चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द हैज पैडल लाइक विंग्स कैन नॉट फ्लाई बट कैन नॉट फ्लाई एंड इज मेरीन पैडल लाइक विंग्स होते हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते और मरीन होते हैं इसमें से ऐसे कौन है ऑस्ट्रिच पेंगुइन, स्वान रिया ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैडल लाइक विंग बट कैन नॉट फ्लाई एंड इज मरीन। ऑस्ट्रिच पेंगुइन स्वान रिया वेरी गुड पेंगुइन पेंगुइन के पास हमने कहा था पैडल लाइक -like, जो है विंग्स होते हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं करते ये फ्लाई नहीं करते नेक्स्ट क्वेश्चन द बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है द बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड कुकू पेंगुइन हमिंग बर्ड काइट हमिंग बर्ड एंड काइट हमिंग बर्ड को और क्या कहते हैं सन बर्ड बताया था ठीक है स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये दैट कैन फ्लाई द बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड वेरी गुड इसका आंसर क्या है हमिंग बर्ड इसका फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड सबसे तेज सिंपल सी बात है आपको हमने कितने सारे ऑर्डर बर्ड्स में बताए थे ठीक है और हमने कहा था सात uh, ग्रुप में डिवाइड किया गया है कौन अर्बोरियल है कौन फ्लाई जो है फास्टेस्ट फ्लाई है फ्लाइट बर्ड है ये सारा चीज हमने आपको बताया था तो आप बताएंगे हमें द तो फास्टेस्ट वेरी गुड स्विफ्ट क्या है दैट इज स्विफ्ट द फास्टेस्ट फ्लाइट बर्ड फ्लाइंग बर्ड है कौन स्विफ्ट नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बिलोंग्स टू द ऑर्डर किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं सरी फॉर्मिस एप्टेरिजी फॉर्मिस टीमी फॉर्मिस यानी फॉर्मिस कीवी किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं कीवी किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं फटाफट आंसर करेंगे कि वी किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जल्दी बताइए वेरी गुड योर आंसर मस्ट बी एटी एट का बी एपटेरिजी फॉर्मिस कौन है और ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है ये क्या है कीवी सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है ये भी हमने आपको बताया था ठीक है कीवी के बारे में हमने बहुत बातें आपको बताई थी आप बताना जरा क्या क्या है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंडेंजर्ड बर्ड एन एंडेंजर्ड बर्ड कैंडोर हिलॉक सनबर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एकदम अभी हमने आपको इसको इकोलॉजी पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था एंडेंजर्ड बर्ड कौन है इसमें से हाँ वेरी गुड स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पेक्टिन एबेंट होता है और और यह एक ऐसी फ्लाइटलेस बर्ड है जिसमें प्रीन ग्लैंड होता है एक्चुअली फ्लाइटलेस बर्ड में प्रीन ग्लैंड नहीं होता लेकिन और कीवी में होता है ठीक है बताया था हमने दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ फॉसिल बर्ड विच विद टीथ एंड लॉन्ग ज्वाइंटेड टेल लिव्ड ड्यूरिंग कब हुआ करता था आर्क्यूबेरिक्स परमियन ट्राइसिक आर्क्यूबेरिस कब हुआ करता था परमियन में ट्राइसिक में क्रिटेशियस में जुरैसिक में वेरी गुड जल्दी से बताएंगे कब हुआ करता था क्वेश्चन नंबर नाइनटी भाई एक्सटिंक्ट हुआ था क्रिटेशियस में 90 का डी जुरैसिक के दौरान किसमें Jurassic और एक्सटिंट कब हुआ था क्रिटेशियस में किस में क्रिटेशियस में चलिए नेक्स्ट दैट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटिटी वन ऑफ नहीं होना चाहिए यहां क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटिटी कैसोवेरी टिनेमस रिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटिटी आर्क्यूबेरिक्स का फॉसिल किसने डिस्कवर किया था आरक्यूबेरिक्स के फॉसिल हाँ बर्ड और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है इसका फॉसिल किसने डिस्कवर किया था वेरी गुड एंड्रयू ओके आपके आंसर आ रहे हैं इसमें इसमें से रेटिटी कौन है भाई कैसोवरी भी है टिनेमस भी है रिया भी है ऑल ऑफ देम तो सब आ जाएंगे इसमें से रेटिटी कौन है ऑल ऑफ देम है इसमें से रेटिटी कौन है ऑल ऑफ देम है चलिए नेक्स्ट द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन है ऑस्ट्रिच है एल्बेस्ट्रॉस है डोडो है पेंगुइन है एंड्रियस वेगनर ने किया था गुड फ्रॉम जर्मनी बावेरिया जर्मनी बावेरिया ठीक है ना विशाल वर्मा ठीक है लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑस्ट्रिच है एलबेट्रॉस है डोडो है पेंगुइन है क्या है एलबेट्रॉस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट द स्कल ऑफ बर्ड इज बर्ड का स्कल कैसा होता है मोनोकॉन्डाइलिक डाइकॉन्डाइलिक पॉलिकॉन्डाइलिक ए किस तरीके का स्कल होता है बर्ड का द स्कल ऑफ बर्ड इज मोनोकॉन्डाइलिक डाइकॉन्डाइलिक पॉलिकॉन्डाइलिक एक्न्डाइलिक फटाफट आंसर करिए जल्दी से किसका किसका हमने बताया था आपको ट्रिक भी बताया था डाइकॉन्डाइलिक के लिए और मोनोकॉन्डाइलिक के लिए वेरी गुड दैट इज मोनोकॉन्डाइलिक रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मोनोकॉन्डाइलिक और मैमल्स और एम्फीबियंस के डाइकोंडाइलिक हमने आपको ट्रिक बताया था चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन नॉट पर्च परचिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था हमने आपको परचिंग मैकेनिज्म क्या होता है ठीक है ऐसा कौन सा बर्ड है जो पर्च नहीं कर सकता स्पैरो क्रो डक या रॉबिन सिंपल सा सामान्य सा क्वेश्चन है मोना रूबी मैम दी वेरी गुड चलिए ऐसा कौन सा बर्ड है जिसमें पर्च पर्चिंग मैकेनिज्म नहीं होती है एकदम आसान सा क्वेश्चन है स्पैरो क्रो डक एंड रॉबिन वेरी गुड इसका आंसर क्या है भाई डक डक में ये एक्चुअली डक जो है वाटर में एक्वेटिक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डक नेक्स्ट नेक्स्ट द स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी ऊलॉजी फिनोलॉजी नीडोलॉजी बर्ड माइग्रेशन स्टडी को क्या कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन इज नोन एज अनिथोलॉजी ऊलॉजी फिनोलॉजी नीडोलॉजी वेरी गुड 95 फाइव का आंसर क्या है आपका 95 फाइव का आंसर आना चाहिए आपका दैट इज फीनोलॉजी क्या है फिनोलॉजी ठीक फिनो लॉजी नेक्स्ट ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द बर्ड इज ओनली क्यूटेनियस बर्ड में केवल एक ही क्यूटेनियस ग्लैंड पाया जाता है बाकी इसके सब स्किन ड्राई होती है कोई क्यूटेनियस ग्लैंड नहीं होता ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द बर्ड इज सिबेशियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड यूरोपाइजियल या फिमोरल ग्लैंड ओनली ियस ग्लैंड प्रेजेंट इन बर्ड वेरी गुड आंसर इज यूरोना टेल ग्लैंड या यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड होता है ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड टेल वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स आर फ्यूज टू फॉर्म बर्ड्स के टेल वर्टिब्री फ्यूज होके क्या बनाते हैं बर्ड्स के टेल वर्टिब्री फ्यूज होके क्या बनाते हैं प्रोजोस्टाइल कॉक्सिक्स यूरोस्टाइल या सिंसैक्रम केवल टेल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं बर्ड्स के टेल वर्टिब्री फ्यूज होके क्या बनाते हैं वेरी गुड दैट इज दैट इज आंसर क्या है 97 का ए पाइजो स्टाइल क्या है आंसर इसका ए दैट इज वॉट द पाइजो स्टाइल क्या बनाते हैं नहीं नहीं सिं सैक्रम तो अलग है ढेर सारे वर्टिब्री और से मतलब जो लंबार होते हैं जो कॉक्सिक्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि सैक्रल वर्टिब्री हैं वो सब फ्यूज होकर के बनाते हैं लेकिन टेल वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर प्रोजो स्टाइल बनाता है रिचेस्ट ब्लड इन द एनिमल किंगडम इज फाउंड इन रिचेस्ट ब्लड इन द एनिमल किंगडम इज फाउंड इन मैमल बर्ड रेप्टाइल एम्फीबियन एनिमल किंगडम में सबसे richest ब्लड किस में पाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीसी पर क्यूबिक एमएम mm, सबसे ज्यादा आरबीसी किसके ब्लड में होता है दैट इज मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस रागिनी वर्मा वेरी गुड फ्लो शेयर बोन कहते हैं हाँ देखिए ये होती है पढ़ाई हाँ किस में होता है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ब्लड दैट इज वॉट द बर्ड्स बर्ड्स के ब्लड सबसे रिचेस्ट ब्लड कहलाते क्या कहलाते हैं भाई रिचेस्ट ब्लड पैक्टेन इज in इन द आई ऑफ स्पैरो पिजन कीवी पैक्टेन इज एबसेंट इन द आई ऑफ स्पैरो क्रो पिजन एंड कीवी जो आई बॉल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं तो पेक्टिन कहाँ पे होते हैं स्पैरो क्रो पिजन कीवी पेक्टिन किसमें एबसेंट होते हैं भाई सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज 99 किसमें एबसेंट होते हैं कीवी में एबसेंट होते किसमें कीवी में एबसेंट होते हैं चलिए नेक्स्ट फॉसिल ऑफ आर्क्योपटेरिस वॉज ऑप्टेन फ्रॉम फॉसिल ऑफ आर्क्योपटेरिस वॉज ऑप्टेन फ्रॉम के फॉसिल कहां से ऑप्टेंट किए गए थे फ्रांस से जर्मनी से ग्रेट ब्रिटेन से या फिर नॉर्थ अमेरिका से गुड इसका आंसर क्या है दैट इज जर्मनी से किससे जर्मनी से और हमने कहा था बावेरिया से है ना दैट इज बावेरिया तो ये आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्वेश्चन डेढ़ सौ है डेढ़ सौ है हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था अब जानते हैं सौ क्वेश्चन डेढ़ सौ क्वेश्चन ना कराओ ना तो मन ही नहीं मानता है तो हम हालांकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम थके बहुत हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए हैं आपको पढ़ाने के लिए ताकि आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए आपकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए और आप एकदम जो है ना आपके जो जोश होने चाहिए वो हाई होने चाहिए ठीक है आप जाते जाते एक बार बताइएगा किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है ये सारे जो हमने प्लानिंग आपके लिए किए हैं लाइक क्रैश कोर्स लाइक संडे रिवीजन, लाइक रैंडम क्विज लाइक बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज लाइक ओल्ड बैच लाइक न्यू बैच सारे किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हैं एक बार बताइएगा और एक क्वेश्चन हम आपको <coughs> अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे अभी बहुत से क्वेश्चन है बहुत से क्वेश्चन है अब इसको फिर करेंगे बाद में एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं आप देखते हैं कि आप क्या इसको सॉल्व करना और बताना कमेंट करना ठीक है और हाँ ये हमारा ये मकसद नहीं है कि भाई हमें कमेंट ज़्यादा मिलेंगे इससे ये मकसद नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना तो हमें इससे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे आपका जो फीडबैक होगा अच्छा बुरा वो आप कमेंट में लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट ओके लेकिन बस हम ये क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं आप खुद से सर्च करना नहीं तो हम आपको बताएंगे हम कुछ बर्ड लिख रहे हैं आप उसको साइज के बेसिस पे अरेंज करना ठीक पहला दैट इज़ इमू फ्लाइटलेस बर्ड के साइज के बेसिस पे इसको अरेंज करना फ्लाइटलेस बर्ड ठीक है फ्लाइटलेस बर्ड के साइज के बेसिस पे अरेंज करना कैसोवरी ओके कीवी और रिया तो ये हमें आप बताना इसमें सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन है सेकंड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन है थर्ड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन है तो ये चीज आपको बताना है हमें मैम टेस्ट बैच रैंडम क्विज संडे रिवीजन और और भी बूस्ट होता है आज के भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे नए लगे जो बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज में हमने दिया था मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चंस आज के क्वेश्चंस बहुत नए नए क्वेश्चन थे तो आपको शायद नए लगे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है तो ये आप हमें बताइएगा बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में संडे जो रैंडम क्विज होता है ना वो मत मिस किया करिए आप लोग हम देखते हैं रैंडम क्विज में आधा लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं लेकिन रैंडम क्विज आप लोग किया करिए इससे आपका माइंड शार्प होगा प्रैक्टिस ज्यादा होगी आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी आप समझिए कि आपको जो है ना लंबे क्वेश्चंस पढ़ने और सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने दिमाग को घुमाते हो दौड़ाते हो कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है सही है कि गलत है ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना होता है या फिर स्टेटमेंट चूज करना होता है तो उस क्वेश्चन से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी एक्टिव क्लासेस बिल्कुल ओल्ड बैच में एनिमल फिजियोलॉजी अब दे तो रहे हैं रेंडम उसका क्रैश कोर्स में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्रैश कोर्स बैच जो नोट है वो भी दे रहे हैं वीडियो दे रहे हैं अभी तो पढ़ा हुआ है कल देखिए कन्वर्जेजन विद स्वर्णिमा एंड संगम संगम मैम सिंसैक्रम इज द फ्यूज ऑफ थोरैसिक बट आपने फ्यूज बोन कुछ और ही बताया फ्यूज बोन हमने केवल टेल वर्टिबरी का बताया पाइजो स्टाइल ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए उसको सिंसैक्रम के बारे में नहीं बताया सिंसैक्रम किसका फ्यूज बोन है वो भी पढ़ाया है पाइजो स्टाइल भी पढ़ाया है तो आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश किया करिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं कहाँ सही कर रहे हैं आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैम आपने ये बताया है ये होता है आप, आप जब जो हमने पढ़ाया है उसको आप एनालाइज करिए ठीक है तो रैंडम क्विज जो होता है आपका उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर मतलब एकदम आपको उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ रैंडम क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं जो आपकी ऑलरेडी तैयारी है उसी में आपको अपना तैयारी चेक करना होता है ठीक नहीं भाई ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है ओके okay. हाँ बिल्कुल मिनी कुमारी ये कोर्स नवंबर से पहले हो जाएगा भाई नवंबर से पहले हो जाएगा बहुत सारे क्रेश कोर्स में हमने आपको पूरा ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रखा है पूरे लोअर प्लांट लोअर बायोलॉजी पढ़ा रखी है ठीक है लोअर प्लांट पूरा एनिमल फिजियो सॉरी एनिमल किंगडम हो चुका है बायो मॉलिक्यूल्स हो चुका है सेल सेल डिवीजन हो चुका है प्लांट फिजियोलॉजी हो चुका है एनिमल टिश्यू हो चुका है इकोलॉजी हो चुका है एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है तो बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है ठीक है हमने आपको 90 डेज का क्रैश कोर्स का शेड्यूल भेजा था लेकिन हमने देखा कि अभी एग्जामिनेशन की कोई डेट दूर दूर तक नहीं है तो हमने उसको थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपके भले के लिए उसी फी में ताकि आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज हो ज़्यादा लिख रहे हम लिख रहे हैं आपको पता है एक नोट लिखने में एक दिन का नोट लिखने में हमें चार से पाँच घंटे लगते हैं क्योंकि वो कौन साइज तरीके से बनाना वो फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए लिखना ठीक है फिर पढ़ाना बहुत मेहनत लगती है और हमें टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस बनाने होते हैं बूस्टर ये रेंडम क्विज के क्वेश्चंस बनाने होते हैं संडे रिवीज़न के क्वेश्चन बनाने होते हैं आपके नोट्स डेली लिखने होते हैं इतने सारे बैचेस मैनेज करने होते हैं संडे रिवीजन का टॉपिक अब यही रहेगा कि आपका एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया और इस अगले संडे तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये तो डन होना है तो कुल मिला के सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव, एक्सक्रिटरी और रेस्पिरेटरी चार तो आएगा ही आएगा ठीक है संडे रिविजन में यही तो जो इस संडे होगा वो आप इतना टॉपिक हो जाएगा क्लियर ओके okay? आप लोग जी जान लगा के पढ़िए अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए सीट्स से लेना देना कुछ बहुत ज्यादा नहीं है सेलेक्शन होना है बहुत अच्छी बात है नहीं होना है तो भी डटे रहना है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा इसलिए पढ़ना है कि हमने जो कमी छोड़ रखी थी हमने जो बी में नहीं पढ़ा हमने जो एम में नहीं पढ़ा हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हुए वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हम कभी कहीं किसी और पोस्ट पर हों बहुत सारी वैकेंसीज आती है असिस्टेंट मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों का नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ और जीआईसी आने आने सुनाई देता है भाई सुनाई देता है हम ये नहीं कह रहे हैं आने वाला है ठीक है बहुत से और भी एग्जामिनेशन होते हैं तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आप कहीं भी एग्जाम निकाल सकते हैं मैम टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ रिवीजन हो रहा है वो ऑब्वियस सी बात है होना ही और अभी बस चार और टेस्ट होगा तो आपका होल सिलेबस का टेस्ट खत्म हो जाएगा फिर सेमी माइनर टेस्ट होगा सेमी मेजर टेस्ट होगा जिसमें कई टॉपिक्स एक साथ आएंगे और उसके बाद मेजर टेस्ट होगा जिसमें होल सिलेबस का टेस्ट होगा ठीक है फ़ी उसकी 1250 सौ पचास है भाई बारह सौ पचास है बस और बस जिसमें हमने पूरा ही 40 टेस्ट का पूरा सीरीज़ रखा हुआ है देखिए ये सब बातें हम बीच में इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम क्लास के बीच में एडवर्टीज़मेंट करना पसंद नहीं करते हैं आप लोगों को बोल देते हैं कि हम बाद में इसको बता देंगे हालांकि ये मेरा काम भी नहीं है ये आप हेल्पलाइन पर पूछ सकते हो लेकिन अब इतना ज़्यादा आप लोग पूछने लग जाते हो कि फिर हमें बताना पड़ता है <laughs> फी बारह सौ पचास रुपये है जिसमें जो है आपके आप कह सकते हो फोर्टी टेस्ट का सीरीज़ है हमने पूरा बताया था जिसमें अभी बाईस या तेईस टेस्ट हो चुके हैं और पच्चीस टेस्ट तक पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर छब्बीसवें या सत्ताईसवें टेस्ट से आपका सेमी मेजर टेस्ट होगा जैसे टेस्ट कम्बाइंड करके लिए जाएंगे टॉपिक कम्बाइंड करके और लगभग सात या आठ पूरे मॉडल पेपर हैं मतलब मेजर टेस्ट है जिसमें होल सिलेबस के टेस्ट होंगे और मेरा वादा है एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा और हमारे टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन देते हैं नीलम जोशी बिल्कुल ले सकते हो आप नॉलेज के लिए ओल्ड बैच ले सकते हो आप बिल्कुल आपने सही पूछा नॉलेज के लिए ओल्ड बैच ले लोगे तो फिर आप ऑब्वियस बात है, इसमें आपका कोई घाटा नहीं क्योंकि ओल्ड बैच साढ़े तीन हजार का है और अगर आपने क्रैश कोर्स लिया है तो वो शायद आपको दो हजार में ही मिल जाए है ना क्योंकि हमने बहुत से मतलब अपनी तरफ से हम जितना लोवेस्ट प्राइस रख सकते हैं ये नहीं कहा कि भाई जो लोग क्रैश कोर्स लिए हैं अगर वो ओल्ड बैच लेना चाहते हैं डिटेल्ड बैच लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्राइस और घटा दिया जाए दो हजार रुपए मतलब दो हजार में क्रैश कोर्स दो हजार, में, बैच और दो हजार ए, पचास में आपका टेस्ट सीरीज और उसके साथ रेंडम क्विज उसके बाद आपके संडे रिवीजन मतलब कुल मिला के आपके पांच सवा पांच हजार रुपए में सारी फैसिलिटी आपके आपके एग्जामिनेशन तक खुशबू उमर खुशबू उमर क्या पूछ रहे हैं शायद नितिका बार बार पूछो शायद मैम रिप्लाई करें नितिका बताइए क्या पूछ रहे हो भाई अभी इसमें इतने सारे बताइए बताइए नितिका अभी हम आपका ही वो देखेंगे आ, क्या कहते हैं पूछिए भाई पूछिए क्या पूछना है ममता रावत मैम इस अक्टूबर में दीपावली में टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट दे दीजिए अरे बाप रे बाप कितना डिस्काउंट लेना चाहते हो आप लोग बताइए दे देंगे डिस्काउंट मतलब इतना 1250 में भी डिस्काउंट है ना पूछिए भाई चलें फिर आप लोग जाइए पढ़ाई करिए अपना सुमित कुमार आप हमें ये बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ झारखंड एंड यूपी सुमित कुमार पूछ रहे हैं वॉट अबाउट झारखंड सिलेबस मैम झारखंड का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है झारखंड का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है आप जरा सिलेबस को जो हमने एनालाइज़ किया है उसको देखिए आप लोग इस बात पे परेशान होते हो कि झारखंड में पूछा गया है कि मैम पेरेंटल केयर ऑफ़ amphibians पूछा गया है पेरेंटल केयर ऑफ़ fishes दिया हुआ है क्या वो पेरेंटल केयर ऑफ़ फिशेज नहीं पढ़ा है पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियन अभी हम ऐड कर देंगे पॉइजनस snake, नॉन पॉइजनस कुछ भी भाई इतना परेशान अगर हो गए ना तो नहीं परेशान इतना होने की ज़रूरत नहीं है झारखंड का सिलेबस जो है वो आपके यूपी के सिलेबस से ब्रॉड नहीं है बार बार कह रहे हैं जो कुछ भी है उसको हम हमने एनालाइज किया हुआ है और हमने कहा है कि हम ख़त्म करेंगे ठीक है हमने कहा है पहली बात एक बात सुन लीजिए कि जैसे जो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं बताया गया कि भाई यूपी का सिलेबस चल रहा है झारखंड के जब आप लोगों ने इंक्वायरी किया तो हमने बताया कि लगभग नाइन्टी परसेंट तक सिलेबस मैच कर रहा है और नाइन्टी फाइव नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री परसेंट ज़्यादा ही मैच कर रहा है तो आप पढ़िए इसको इतना क्यों परेशान हो रहे हैं अब एक चीज़ तो है आप बुरा नहीं मानिएगा पहले तो हम ये कॉमन सिलेबस ही खत्म करेंगे ना पहले तो कॉमन सिलेबस जो आपका अलग से होगा उसको हम खत्म करेंगे उसके बारे में भी हम कह रहे हैं कि हम खत्म करेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं पढ़ाएंगे ठीक है नहीं पढ़ाएंगे ये नहीं कह रहे हैं मोस्टली सिलेबस तेलंगाना के लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के लोग पढ़ रहे हैं बंगाल के लोग पढ़ रहे हैं हर जगह के लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी वही है भाई क्यों नहीं समझ रहे हो बायोलॉजी वही है बायोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी उसके कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाएंगे और कहीं के भी पेपर उठा के देख लो नाइनटी फाइव परसेंट क्वेश्चन सेम होते हैं आप हम तो हमें तो लगता है कि यूपी से ज्यादा झारखंड का अभी हमने पेपर देखा इतना आसान क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं और आप झारखंड के लिए इतना परेशान हो आप पढ़ के तो देखो पढ़ो ना सारा सारा पढ़ो आप फिर एग्जाम दे, देना तो परेशान तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अब हाँ जिन लोगों को भी बैच वगैरह ज्वाइन करना है बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो गया जिनको भी बैच वगैरह ज्वाइन करना है इसी आ, कुछ टाइम बाद आप देखना इसी टेस्ट उसमें आ, इसी टेस्ट इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको भेज दिया जाएगा टेस्ट सीरीज का और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कोर्स का सारा ही लिंक दे दिया जाएगा आप देख लेना चलिए ठीक है चलिए ठीक है चलते हैं फिर ओके जाइए आप लोग भी पढ़िए मैम एन पीजीटी का सिलेबस सेंड कर दीजिए मैम या, यार आप लोग गजब की बात करते हो एन बी एस पी का सिलेबस सेंड करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्या कहाँ से सेंड करें बताइए कहाँ पे सेंड करना है बताइए कुछ भी कह दे मतलब कहाँ से सेंड करें इतने सारे स्टूडेंट हैं आप और हम एन बी एस का सिलेबस कहाँ सेंड करें आप आप अगर एप्लीकेशन पे हो तो फिर अगर देखते हैं कहीं होगा तो सेंड करवा देंगे आपके मैसेजेस कहते आते है बहुत सारे लोग अननेसेसरी मैसेज करना छोड़ दीजिए पहले मैम ये है समस्या ये है समस्या ये बताइए मेरी स्ट्रेटेजी बना दीजिए मैं कितने घंटे पढ़ूँ मैं कितने घंटे सोऊँ ठीक है ये सब अगर हम बताने लग गए तो तो हम पढ़ना और हम सोना भूल जाएंगे है ना वो ऐसे ऐसे मैसेजेस करोगे आप हम कहाँ से उसका रिप्लाई कर पाएंगे आपके एक एक छोटी छोटी बात का रिप्लाई अगर हम नहीं करो आपकी स्टडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बताइए एन और KVS के के सिलेबस हम यहाँ डिस्कशन कर देंगे ठीक है ठीक है जब बैच चलेगा तब ठीक है चलें फिर आप आप सबके मैसेजेस आते मैम ऐसी स्ट्रेटेजी बना दीजिए कि हम इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए अरे बाप रे ऐसे हम क्या बना दें स्ट्रेटेजी बताइए ऐसी स्ट्रेटेजी क्या बना दें कि आपका सिलेक्शन हम इतना कुछ कर रहे हैं अब इससे ज़्यादा हम क्या करें अब रात में भी क्लासेस चलाएं हमको लग रहा है रात के बारह बजे से सुबह के छः बजे तक क्लास चलेगी जब कोई नहीं पढ़ता है तब पढ़ेंगे हम लोग सोना ही नहीं है आपको ठीक है चलिए ओके ठीक है भाई चलते हैं आप आप लोग जाइए पढ़ाई करिए सोइए खाइए और एक बात तो ये हमने नोटिस किया हमने देखा जितनी सुविधाएं उतनी प्रॉब्लम अभी एक न, न, मेरी एक स्टूडेंट है मैसेज किया कि मैम मेरी सिस्टर ने या मेरी फ्रेंड ने इस इस कोचिंग में लिया है वहाँ ना पढ़ाई हो रही है ना पीडीएफ दे रहे हैं ना नोट्स दे रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं तो हम यही सोच रहे हैं कि हमने जितनी सुविधाएं और हमारे यहाँ कोई फ़ोन ना उठा के देखे हम खुद डांटने लगते हैं उन लोगों को कि भाई आप फोन क्यों नहीं उठाते स्टूडेंट का या फ़ोन कैसे मिस हुआ तो इतनी सारी अब ये मत सोचो कि ऑनलाइन में आपके घर आके पढ़ा देंगे हम ऑनलाइन में चीज़ें आपके घर भेज देंगे ऐसा नहीं है जितना कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी चीजें हैं उस तो उतने में खुश रहने की कोशिश करिए थोड़ा बहुत एफर्ट खुद से कर लिया करिए जैसे कोई डाउट ही है अब जैसे किसी को एकदम तो उनका फेस एकदम जो फेस है वो एकदम रेड दिखेगा इतने गुस्से में कोई डाउट है तो कहां पूछें भाई अभी खड़े हैं पूछ लो डाउट जो आते हैं आते हैं हम आपके सामने तो क्यों नहीं पूछते हो तब तो आप सोए रहते हो ऑनलाइन में इतनी चीजें आपके लिए पहुंचाई जा रही हैं आप लोगों के लिए सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं इतने क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेढ़ सौ दो सौ सौ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं पूरे यूट्यूब भरे हुए हैं जाके देखिए ऑनलाइन में इतनी कम पैसे में इतनी सुविधाएं आपको दे रहे हैं कि आप दिन में रात में सो के बैठ के खाते हुए नहाते हुए जैसे जब मन करे तब वीडियो देखिए इतने सारे फैसिलिटीज हैं नोट्स लिख लिख के दे रहे हैं उसके बाद डाउट है तो कहाँ जितना है पहले उतना तो पढ़ो जितना है उतना पढ़ लो ना तो सिलेक्शन हो जाओ हो जाएगा डाउट से कुछ लेना ही देना नहीं है ठीक है डाउट से लेना देना नहीं है कुछ जितना है उतना ही पढ़ लो बस जितना पढ़ा दिया है उतना ही कायदे से पढ़ लो और डाउट ज़्यादा उनको ही आते हैं उनको ही आते हैं जिनको वाकई में ना जो बहुत कंफ्यूज हैं कि पढ़े कहां से शुरुआत कहां से करें ठीक है एक ही दिन में सब पढ़ लें या सब छोड़ दें या तो वो सब पढ़ी लेंगे या छोड़ ही देते हैं अच्छा ये कौन है मंगरा राज मंगरा राज कह रहे हैं मैम झारखंड वाले में थोड़ा ध्यान दे दीजिए झारखंड ही आ जाते हैं हम कुछ दिन के लिए एक महीने के लिए आ जाए क्या उधर ये बताइए अभी क्या हम बता रहे थे हम स्पेशली जब इतने इतना बड़ा लेक्चर दिए झारखंड के बारे में एक महीने के लिए वहीं आते हैं और सबसे सबके घरों में जाके पूछते हैं आपको क्या स्पेशल फैसिलिटी चाहिए पढ़ा रहे हैं जो उसमें और क्या मॉडिफिकेशन करें ठीक है सबसे पूछेंगे झारखंड वाले इतने परेशान हैं कि हम क्या बताएं भाई झारखंड वाले सारा सिलेबस सिलेबस यूट्यूब पे जाओ पहले पहला काम आप हमें बताओ झारखंड वाले सुनो मेरी बात सुनो अब अब एकदम सच्ची बात बता रहे हैं आप हमें लिख के दो कि ये सिलेबस यूपी से डिफरेंट है ये पढ़ाइए मैम आप हमें लिख के दो भेजो ठीक है और बताना कि इस सिलेबस जो यूपी से डिफरेंट सिलेबस है उसमें हम ऐसा क्या पढ़ाएं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये लिख के दो हमें आप ठीक है ओके अब हम आप हम, हम इंतजार करेंगे आप हमें लिख के भेजो कि क्या क्या सिलेबस है क्या क्या डिफरेंट है गारंटी है कि दिन में आधे घंटे एक घंटे का क्लास अलग से लेंगे उसका हम ठीक है मैम इकोनॉमिक ज़ुलोजी स्टेट बिहेवियर अरे तो ये तो पीजीटी में भी है यूपी के पीजीटी में है इसमें अलग क्या है यूपी के पीजीटी में भी है इसमें अलग क्या है बताओ प्रवीण चतुर्वेदी मैम मैंने आपके बायोलॉजी का कोर्स परचेज किया है थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन मैम न्यू बैच एलटी का जो लॉन्च होगा ओल्ड बैच जैसा होगा या मॉडिफाई होगा लेने का मन है भाई आपकी इच्छा हमने कहा जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट हैं वो टीजीटी पीजीटी तक आपका बैच रहेगा अभी तो फिर से हम लोग दोबारा से तीन तीन बार एक्सटेंड हो गया आपको पता है बैच एक्सटेंड कराने में कितना पैसा लगता है बैच को एक्सटेंड करने में आपके बैच को एक्सटेंड करने में भी पैसे लगते हैं हम लोग कभी पैसे क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पे ना इसलिए कोई पैसा नहीं मांगता आपसे इतना बता दे रहे हैं तीन तीन बार आपका बैच एक्सटेंड हो चुका है थी भाई अभी हो रहा है फिर से ठीक आशीष सिंह आप परेशान मत होइए ये लोग पागल बना देंगे नहीं भाई इन लोग का हक है इन का हक है पूछने का वो हम देखना चाहते हैं कि किस लेवल तक के इनके क्वेरीज होते हैं ना हम ये देखना चाहते हैं हम खड़े हैं हमारा क्या जा रहा है 11 बजे तक खड़े रहेंगे उसमें क्या दिक्कत है आप बताओ हम खड़े जिन जो देखिए जिनका का काम हो गया है वो जाए जिनका काम हो गया है वो जाएं क्योंकि हमें आपको देखना होगा कि आपको आपकी जो जो ये चलती रहती है ना आपके दिमाग में कि झारखंड 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 वाले और क्या है इकोनॉमिक जियोलॉजी का आधा टॉपिक अर्थोपोडा में है मैम थोड़ा एक स्पेशल क्लास झारखंड के लिए ले लीजिए जिसमें स्टडी uh, स्ट्रेटजी और कुछ अच्छे बुक्स सिलेबस वाइज सजेस्ट कर दीजिए पहली स्ट्रेटजी स्टडी स्ट्रेटजी तो यही है कि फ़ोन का यूज़ बस और बस पढ़ाई के लिए होगा और दूसरी स्ट्रेटजी यही है कि यूपी का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आप और तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि रोज़ परेशान नहीं होंगे सिलेबस 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 को और चौथी स्ट्रेटजी हम आपके एग्ज़ाम होने के बाद बताएँगे मैम लास्ट क्वेश्चन एग्जाम कब तक होगा आयोग वाले हमारे मामा है ना जो हमें बताएंगे एग्जाम कब तक होगा एग्जाम कब तक होगा ये बताओ कहाँ से बताएं हम हमें स्पेशल कॉल आती है डेली कि हाँ एग्जाम अब होगा बताया तो मेरा दिल कहता है एग्जाम 2023 में होगा अब पता नहीं भाई मेरा दिल के सारे वॉल सारे चैम्बर सही हैं या नहीं ये तो फिर देखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब सच में जा रहे हैं हम हमारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे आपके घर वाले आपका इंतजार नहीं करते तो हम क्या करें इसके लिए चलिए ठीक है <coughs> ओके okay, चलें ठीक है गुड नाइट